अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे कंफर्म करते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको आवाज़ आ रही है और क्लियर है आवाज़। कल हमारा सेशन रह गया था तो उस वजह से थोड़ा सा मैंने एक पोस्ट की थी कि हम हाफ एन आवर ऑलमोस्ट पहले स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। हम इंशाल्लाह 40 पे करते हैं स्टार्ट। तो तब तक अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तब तक हम आंसर सेशन कर लेते हैं। कल इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया था तो इस वजह से क्लास जो है ना वो हमें सस्पेंड करनी पड़ गई थी। तो आज मैंने मेक श्योर किया कि इंटरनेट का कोई इशू ना हो। ओके हाँ, वीडियोस हैं कुछ, अगर वो किसी ने शेयर की हुई हैं तो वो भी हैं, और मैं ग्रुप में लिंक भी पोस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल, मुझे लिंक सेंड किया था स्टूडेंट ने तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ लिंक ना ग्रुप में, जिसमें सबनेटिंग वाला पार्ट आप देख लें, वो बहुत अच्छा समझाया हुआ है उसमें उन्होंने ना। असल में इसमें जब आप ऑनलाइन समझा रहे होते हैं ना तो इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यही अगर क्लास में होता तो वो बोर्ड मार्कर पे होता साथ, तो उसमें ये समझाना काफ़ी आसान हो जाता। तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, इलस्ट्रेशन उस वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा है। जी, आप जो आपका बड़ा एक नेटवर्क होता है ना उसकी आप ग्रुपिंग कर देते हैं VLANs में, ठीक है, लॉजिकल ग्रुपिंग। स्विच को समझाने के लिए, स्विच के लिए तो वो सारा एक ही पूरा एक नेटवर्क है जिसमें पीसीज भी हैं, लैपटॉप भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, ठीक है, जिसमें अगर रोल वाइज हम देखें CEOs भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आप रोल वाइज ग्रुपिंग करना चाहते हैं कि मैनेजर्स सेपरेट रहें, एक VLAN बन जाए उनकी, CEOs की एक सेपरेट VLAN बन जाए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल वाइज चीज़ों को सेपरेट करना चाहते हैं, सेल्स का एक डिपार्टमेंट है उसको आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी VLAN कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सामने सिनारियो क्या है, ठीक है। जो इस ग्रुप में ऐड है वो होपफुली वो सारे एनरोल्ड हैं, अगर जिनके इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व कर देगी मैनेजमेंट इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। जी CCN ने आप जूनियर लेवल के नेटवर्क इंजीनियर कंसिडर हो जाएंगे, क्योंकि जो रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत मैटर करता है। आपके पास बेसिक नॉलेज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल तो आ जाएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस होती है जो गेन आप फील्ड में रह के कर सकते हैं किसी की सुपरविजन में। सब नेटिंग के रिलेटेड MCQs ही आएगा और MCQs में वो आपसे पूछ लेगा चीज़ें जो उसने पूछनी होगी। आप एग्ज़ाम की फिक्र ना करें, एग्ज़ाम आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स से परसेंटेज से क्लियर होंगे। मेक श्योर करें कि क्लासेस लें, अपने फ्रेंड्स जो आपके ग्रुप में ऐड हैं उनको भी कहीं क्लासेस लें। असल चीज़ मैटर करती है नॉलेज, और वो आप जितना गेन कर लेंगे सबसे बेस्ट है। नहीं, सिस्को पैकेट ट्रेसर सिर्फ ट्रेनिंग बेसिस के लिए यूज होता है। रियल वर्ल्ड में आपको रियल स्विचेस मिलेंगे, हार्डवेयर आपके सामने स्विच पड़ा होगा, उसको आप कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के साथ विद सॉफ्टवेयर होते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें एक है पटी PUTTY, उसके थ्रू कनेक्ट करके आप उसमें कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं। जिस तरह हमने कल CLI मोड ओपन किया था और उसमें मैं आपको दिखा भी रहा था ब्लैक टर्मिनल, जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट होता है विंडोज़ में, फिर आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत रिस्की काम होता है, डायरेक्ट आपको कोई भी स्विच हैंड ओवर नहीं करेगा, कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करें, क्योंकि नेटवर्क अगर डाउन हो जाना तो बहुत इशू हो जाता है और डाउन टाइम की बेसिस पे लोगों को फायर कर दिया जाता है, उनकी जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि नेटवर्क का डाउन टाइम आपकी किसी गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, किसी आपने ट्रबल शूटिंग में लेट कर दी, तो जो है ना आपकी जॉब भी खतरे में जा सकती है इस वजह से। मैं साथ के साथ फैज़, मैं साथ के साथ डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने बाकी सारे लेक्चर्स में भी बताया और जो स्टार्टिंग लेक्चर्स है उसमें मैंने बताया भी था कि ये आइकन्स होते हैं जो आप पैकेट ट्रेसर में यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब कल भी मैं VLAN सेट कर रहा था तो मैं तब भी बता रहा था ये वायर्स होती हैं, आप इनको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, बाकी आप खुद जब उसको यूज़ करेंगे आपको आएगा तो तभी, ठीक है। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें, लेक्चर्स देख लें, जब अब तक आप खुद उससे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, उसमें आप देख लें। वो जो मैंने अभी नोट्स आज ग्रुप में शेयर किए थे वो चीट शीट्स है। चीट शीट कहते हैं कि उसमें जो बेसिक मेन पार्ट होता है ना IP सबनेटिंग के बारे में, वो चीज़ें डिफाइन की हुई हैं जो डायरेक्ट आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती हैं। आपसे स्लैश वो जो 28 है उसका मास्क पूछा जा सकता है, ठीक है, रेंज पूछी जा सकती हैं, वो मेन चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो डायरेक्ट आपको एक फाइल में बना के मतलब इसलिए प्रोवाइड की गई है कि आप उनको देख लें एक दफ़ा। तो आप लैब्स की प्रैक्टिस कर लें अहमद, आप एनरोल हुए तो होंगे नेट अकेडमी। तो जो है लैब्स आप पैकेट ट्रेसर पे ही करेंगे, उसका इशू नहीं है। एग्ज़ाम्स को अभी आप साइड पे रखते हैं, एग्ज़ाम्स का जैसे ही होगा मैनेजमेंट आपको बता देगी, एग्ज़ाम्स के बारे में आप परेशान ना हो, लेक्चर्स पे फोकस करें। जी जी, वो खुद ही उसको हो जाएगा ऑटोमेटिकली एनरोल जैसे ही आप एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे, या अगर चेंज हो गया हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ, पहले तो हर मॉड्यूल अलग एनरोल होता था, हो सकता है वो सिंगल CCNA जब से हुआ तो शायद एक ही मॉड्यूल हो आपका कंप्लीट, सारा का सारा यही हो और इसी के अंदर एग्ज़ाम्स सेपरेट हों, तो ये मैनेजमेंट कन्फर्म करेगी इस चीज़ को। ठीक है, स्लैश वाली वैल्यू ये चीज़ इंडिकेट करती हैं कि आपके जितने 4 ऑक्टेट्स हैं ना, उन 4 ऑक्टेट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। 24 हैं तो 24 वंस, एक विद सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तो ज्वाइन कर लिया, बाकी जो है जो थोड़ा सा यहाँ से मिस कर लेंगे अगर तो वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं VLANs, मैं दोबारा से एक दफ़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। VLANs हम, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि हमारे पास लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, ठीक है। मतलब अगर आप ये डायग्राम देखें, लेट्स सपोज, ठीक है, ये जो स्विच है, इस स्विच के लिए ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, पहुंचे मेरे पास, तो ये चीज़ ठीक है। स्विच के लिए ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ये जो तीन पीसेज हैं ये इसके लिए एक ही हैं, ठीक है। उसको इसके लिए ये सारा एक ही वो इंक्लूड कर रहे हैं उसको। इसी तरह ये स्विच है हमारे सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है जो बिल्डिंग के, उसके लिए ये सारा का सारा नेटवर्क पूरा एज अ होल उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे स्विच लगा हुआ है वो इस पूरे नेटवर्क को एज अ होल क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन और क्या रहा है, अगर मैं इसी लेट सपोज इसी एग्जाम्पल को लेके चलूँ तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे जो है आईटी के तीन बंदे बैठे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है, ठीक है। एक बंदा मेरा एचआर के फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे और थर्ड पे, और सेम मेरा सेल्स का भी एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे भी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इनका डाटा जो है आपस में एक दूसरे को ये सी ना कर सकें, डाटा एक दूसरे का रीड आउट ना कर सकें, हेयर ना कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम लॉजिकल ग्रुपिंग करते होते हैं परफॉर्म, ठीक है। वो कैसे होती हैं, वो VLANs की बेसिस पे होती हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल का मतलब है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हमने अपने माइंड में वो चीज़ सेट की हुई होती है, वर्चुअली हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो राउटर स्विच को हम ये समझा रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे लिए रियल वर्ल्ड में तो ये पूरा एक नेटवर्क है, लेकिन मैं तुम पे इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा जिससे तुम्हें ये लगे कि मेरे लिए ये जो है ये एक ग्रुप है, आईटी का सेपरेट ग्रुप है, ठीक है। ये जो एक शंक बना हुआ है, ये कॉलम है, ठीक है। एचआर का एक सेपरेट ग्रुप है और सेल्स का एक सेपरेट ग्रुप है, ठीक है। अब वीलैन बनाने का फ़ायदा क्या होता है? वीलैंस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये अब अपनी कम्युनिकेशंस जो हैं इनके अपने कॉलम तक महदूद हो गई है, ठीक है। ये जितना मैं डाटा शेयरिंग कर रहे होंगे ये आपस में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आईटी एचआर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ना ही सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते। सिमिलरली एचआर आईटी एंड सेल्स के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और सेल्स जो है वो एचआर एंड आईटी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। पहले तो सेम नेटवर्क था, अगर आप इनको पिंग करते, इनको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते, पिंग मैंने बताया था कि बेसिक हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम चेक करते हैं कि वो चीज़ एक्टिव है, वो डिवाइस एक्टिव है या नहीं एक्टिव, वो हमें रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो पिंग के थ्रू हमने चेक किया, पहले तो इनकी कनेक्टिविटी हो रही थी, जैसे ही अब हम वीलैंस क्रिएट कर देंगे इनकी कनेक्टिविटी आपस में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक एट अ सर्टेन पॉइंट देखें, आईटी वालों ने अटेंडेंस मशीन अगर लगाई हुई है, ठीक है, वो अटेंडेंस जनरेट करते हैं, उस अटेंडेंस शीट की ज़रूरत एचआर की भी तो है ना सैलरी बनाने के लिए, बिल्कुल होगी ज़रूरत, ताकि वो सैलरी को डिडक्ट कर सके उस हिसाब से। अगर किसी ने एक्स्ट्रा लीव ली है तो कम्युनिकेशन बिल्कुल तो हम क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर वीलैंस के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करवानी हो तो उसको हम इंटर वीलैन राउटिंग कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम वीलैन के दरमियान कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो किस तरह हो सकती है, वाया इंटर वीलैन राउटिंग। अच्छा, इंटर वीलैन राउटिंग वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लेकिन पहले वीलैंस कैसे क्रिएट करनी है और उनको किस तरह इनकी ग्रुपिंग करनी है, ये सारा कुछ आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए मैंने कल एक डायग्राम बनाई थी, मतलब एक बनाया था पैकेट ट्रेसर में, मैं उसको ओपन भी कर लेता हूँ। ये देखें वीलैंस, मैंने उसको सेव कर लिया था वहां पर ना, देखें ये जो कोलेगियन की बात कर रहे हैं, कोलेगियन एक जनरल बात है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर कोलेगियन डोमेन भी होती है और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी होती है, ठीक है। इसका डिवाइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। डिवाइस उसको सिर्फ इस हद तक डील करती है कि उनको ब्रेक करती है, ठीक है। हब जो होती है उसमें हमारे पास वो जितनी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं उतनी कोलेगियन डोमेन, और वो एज अ होल एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। स्विच जो हमारे पास होता है, स्विच जो होता है उसके हर इंटरफेस या पोर्ट जो होती है वो एक सेपरेट कोलेगियन डोमेन कंसीडर होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब लैब में अभी हम करेंगे ना, तो उसमें हम सिमुलेशन मोड पे जाके देखेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन और वो क्या चीज़ होती है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा जब आपके सामने प्रैक्टिकली चीज़ आएगी सामने। जी ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि पैकेट ट्रेसर का हमें इंट्रो दे दें, तो मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए ताकि क्लियर रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कुछ इसमें स्कूल्स के भी हैं, कुछ कॉलेजेस के भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, जॉब होल्डर्स भी हैं। अब जॉब होल्डर्स और यूनिवर्सिटीज़ वाले कहेंगे कि तो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन पूरी क्लास को हमने साथ लेके चलना है, तो ज़रूरी है बार बार हम चीज़ें को थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे ताकि उनकी याद दहानी होती रहे। ये टैब्स आपको सामने नज़र आ रही होंगी, ये देखें, ये साथ लिखा हुआ आ गया नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एंड डिवाइसेस, ठीक है, कंपोनेंट्स। हम ज़्यादातर फर्स्ट टू में डील करेंगे और इस केबलिंग में सिर्फ, बाकी होपफुली हम इतना यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्लाउड आ गया बेसिकली। ठीक है, अब जिस ऊपर वाली कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी सेपरेट कैटेगरीज है। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, राउटर आ जाता है, ये देखें, स्विच, हब्स आ जाती हैं, और वायरलेस डिवाइसेस आ जाती हैं, वाईफाई डिवाइसेस, फायरवॉल होती है हमारे पास, फायरवॉल, हाँ जी, एंड वैन हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होता है। अच्छा, एंड डिवाइसेस में हमारे पास एंड डिवाइसेस होती हैं, होम की डिवाइसेस होती हैं, ये देखें, क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे आपके सामने, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल, ये काफ़ी सारी एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ होती हैं एक नेटवर्क के अंदर, क्योंकि आपको पता है जितने भी आजकल होम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। ईच एंड एवरी डिवाइस जो घर की होती है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ, टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं, ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स लगे होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक गराज ओपनर लगा होता है, ऑटोमेटिक लाइट्स आपके अवेलेबल, जैसे आप रूम में एंटर होते हैं तो लाइट्स ओपन हो जाती है, सेंसर लगा होता है, वो सेंसर किस तरह से होते हैं, वो अवेलेबल होता है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, आप मोबाइल से उस सेंसर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अगर आप घर से चले भी गए, लाइट्स ऑन रह गई हैं, तो आप मोबाइल पे वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं आपके, आप उनको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पर्पसेस के लिए ये हमारे पर डिवाइसेज उन्होंने दी होती हैं। यहाँ पे फैंस भी दिए होंगे, देखे फैन भी हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हम डील करेंगे ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेज, एंड डिवाइसेज में एंड केबलिंग में। ठीक है, ये तो हमारे ये चीज़ सेक्शंस आ गए सारे। अब इसमें अगर राउटर में देखें तो राउटर के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं ये, ठीक है, आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ 2901, 2911, ठीक है, क्योंकि फिर पोर्ट्स की प्रॉब्लम आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, इन 2901, 2911 इसमें पोर्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह ये 4331 इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये PTMT लिखा हुआ है, ये राउटर एम्प्टी है, इसमें कोई भी पोर्ट नहीं होगी, इसको आप पोर्ट्स अपनी मर्जी से इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, इसी तरह स्विचेस हैं, स्विचेस के भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, और ये जो बीच में है ये हमारे पास मल्टी लेयर स्विचेस हैं, जिसको लेयर 3 के स्विचेस कहते हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैंने जो यूज़ किया ये सेकंड जो लेयर है हमारा 2960, उसका स्विच यूज़ किया, उसको यहाँ पे क्लिक करके प्लेस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और एंड डिवाइसेज में से मैंने पीसीज को उठा के प्लेस कर दिया यहाँ पे, एंड उनको कनेक्ट कर दिया विद केबल। ठीक है, यहाँ पे केबल सेलेक्ट करके दोनों को क्लिक करके मैंने इनको क्लिक कर दिया था। तो अभी तक जितना हमने किया है इस डायग्राम की हद तक आपको समझ आ गई है कि डायग्राम कैसे बनी है। ठीक है, और ये सारा कुछ डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आइडिया हो गया कि इंटरफेस क्या होता है और किस तरह आइकन्स है और सारा कुछ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। केबल देखें, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं या तो वाईफाई के थ्रू विदाउट अ वायर या फिर विद वायर। आप अगर माउस भी कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ तो वो वायर के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर वो वायरलेस होता है। ठीक है, इसी तरह ये डिवाइसेस भी होती हैं ना, जो स्विचेस होते हैं ये सारे कनेक्टेड जो होते हैं ये वायर के साथ होते हैं। ठीक है, वायर्स इसमें से पोर्ट में लग रही होती हैं, ठीक है, और जाके किसी और डिवाइस में इनपुट में लग रही होती हैं। जी जी, ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में अवेलेबल होती है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइव जो चल रहा है सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा होता है साथ साथ फेसबुक पे, और इसी ग्रुप में अवेलेबल होगा। मैं लैब भी सेंड कर दूंगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। देखें, अगर तो आपके डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो फिर आप यूज़ करते हैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, ठीक है, ये वाली। अगर सिमिलर डिवाइसेज हैं तो क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है, ये डॉटेड। लेकिन अब इतना मसला नहीं है, आप ऑटोमेटिक पे चेक कर लें तो वो खुद ही उसको फेच कर लेता है डिवाइसेस को देखते हुए कि कौन सी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये जो रेड केबल है सीरियल वाली, ये दो आप कह रहे राउटर के दरमियान कनेक्टिविटी होती है। जैसे एक ऑफिस मेरा अगर फैसलाबाद में है, दूसरा लाहौर में है, ठीक है, तो इनके दरमियान अगर राउटर्स की मैंने कनेक्टिविटी करवाएंगे तो वो सीरियल केबल यूज़ होगी हमारे पास, सीरियल के लिए यूज़ करेंगे वो। राउटिंग में हम जब करेंगे तो तभी आपको क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम पे चलते हैं हम। मैंने कहा था कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, सिमिलरली जिस तरह के डायग्राम में आपने देखे हैं। आईटी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचआर का डिपार्टमेंट है एंड सेल्स का डिपार्टमेंट है। यहाँ तक क्लियर है? मैंने इनको क्लासिफिकेशन भी कर दी है यहाँ पे ना, ताकि आपके लिए मतलब समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। उनको मैंने कनेक्ट कर दिया विद स्विच। अब उनको मैं स्विच के साथ जब कनेक्ट करता हूँ तो देखिएगा, ये केबल है, मैंने इस पर क्लिक किया तो डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल है मेरे पास। देखें, इस स्विच पे 24 पोर्ट्स हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं आप फास्ट इथरनेट की एंड 2 गीगाबिट इथरनेट की, ठीक है। ये स्पीड्स का फ़र्क होता है, जस्ट पोर्ट सेम ही होती है ये, ठीक है। तो मैं इसको 01 से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो पीसी है किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ। आपको इंटरफेस और पोर्ट्स के नाम याद रखने होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद भी होने लग जाएंगे। स्टार्ट में आप भूल जाएंगे और आप बार बार देखेंगे इनको यहाँ पे कि कौन सी पोर्ट थी और किस तरह समझ नहीं आती, तो फिर इनको हिला के थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस तरह से करके जो मूव हो रहा होगा वो आपकी पोर्ट होगी, ठीक है, जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। और ये देखें, अब मैं स्विच पे मैं कर्सर मैंने प्लेस किया है ना, तो क्या हुआ कि जितनी भी पोर्ट्स हैं जो कनेक्टेड हैं इस टाइम फास्ट इथरनेट देखें लिखा हुआ 01, 02, 03 up to 09, उनका लिंक का स्टेटस आ रहा है अप का मतलब क्या होता है कि ये कनेक्टेड हैं किसी डिवाइस के साथ, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन एक चीज़ नोट कीजिएगा, जिनके पैकेट ट्रेसर पे ये नाम नहीं लिखे हुए आ रहे वो ऑप्शंस में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और यहाँ पे लिखें ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इसको टिक कर दें तो आपको ये शो होने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इस पर कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमारा जो स्विच होता है इसकी पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती हैं, इसकी पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती हैं। कैसे? ये देखें, अगर मैं देखें जैसे ही मैं इसके साथ केबल कनेक्ट करता हूँ, इसके पोर्ट में जाके केबल लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली फ़ौरन ही ये ग्रीन हो जाएगा लिंक, ऑटोमेटिकली ये पहले ऑरेंज हुआ है, ये ऑरेंज इस वजह से हुआ है, इसको भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपनी क्लासेस में इंशाल्लाह, और कुछ देर बाद ये ग्रीन हो जाएगा, अप हो जाएगा लिंक ऑटोमेटिकली। लेकिन ये चीज़ राउटर में नहीं होती, ठीक है, राउटर में आपको पोर्ट को खुद अप करना होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच की पोर्ट्स अप होती हैं और राउटर की पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन हुई होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अच्छा, अगर मैं पीसी पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा फिजिकल, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हैं अपने पीसी के अंदर। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये चीज़ें नीचे आ भी जाएंगी, ये क्या चीज़ है, और ये देखें उसके वो टर्मिनल भी आ जाएगा, पीटी हेडफोन, आप हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ अगर आप चाहें तो। ये देखें हेडफोन की जैक दी हुई है ना, यानी पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। माइक्रोफोन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर, ये देखें, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको ऑफ करना होगा फिर वो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी कंपोनेंट उतार के आप लगा भी सकते हैं जब आप चाहते होते हैं। जिस हिस्से पे लगना होता है ना, वहाँ पे ये रेड वाला साइन ऑटोमेटिकली हट जाएगा और वहाँ पे जाके वो प्लेस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ पीसी के लिए नहीं, स्विचेस एंड राउटर्स के लिए भी है। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो आप यहाँ से भी IP एड्रेस और वो चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, और ये सारे फीचर्स होते हैं जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं पीसी के लिए। ठीक है, आप इसमें IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए डायल अप कर सकते हैं, इसका वेब ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं जो इस पीसी पर चल रहा है। ठीक है, और कमांड फॉर्म जिसको हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था पिंग करने के लिए, VPN, ट्रैफिक जनरेटर है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। हम ज़्यादातर डील करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। मैं साथ साथ आपके कमेंट्स भी देख रहा होता हूँ तो इसलिए पॉज आता है वॉइस में ना, कि अगर कोई मेरी जिस कमेंट पे नज़र पड़ जाए तो उसको एटलीस्ट साथ एंटरटेन कर दूँ। अच्छा, ये तो हो गई कॉन्फ़िग। बाकी प्रोग्रामिंग सेक्शन ये भी इतना खास यूटिलाइज नहीं होता और बस ये चीज़ है। ठीक है, सेम पीसीज हैं। अब इनमें मैंने आईपीज़ होपफुली दिए हुए थे शायद। ठीक है, 192.168.1.1 मैंने ये साइन किया हुआ है, यहाँ पे .2 होगा, मेक श्योर कर लेते हैं .2। इसको भी क्लिक करके डेस्कटॉप पे IP कंप्लेंट .3। ठीक है, आगे चलते हैं .4 5 6 7 8 9, ये 9 होना चाहिए जी। ठीक है, 9 है। तो IP एड्रेसेस इनको असाइन हो गए हैं, इनकी नेटवर्क पे एक आइडेंटिटी इनको हमने दे दी हुई है। अब आ जाए स्विच पे। ठीक है, तो लास्ट टाइम में मैंने आपको व्यू दिखाया था, देखें 24 पोर्ट्स हैं इसमें, ये देखें पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊं रियल वर्ल्ड स्विचेस, तो ये देखिएगा बिल्कुल सेम उन्होंने भी जिस पैकेट ट्रेसर में वैसी ही चीज़ दिखाई हुई है ऑलमोस्ट ना। मॉडल का फ़र्क होता है, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट मॉडल्स होते हैं स्विचेस के, तो इस तरह से होता है। और इनमें पोर्ट में वो कनेक्ट कर देते हैं हम केबल। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये इंटरफेसेस आपको बता रहा है, लेकिन रेकमेंडेड ये नहीं है, क्योंकि आपको जो रियल वर्ल्ड में जब आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो CLI मोड पे आप करते होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप इनको देखें। ये सबसे पहले ऊपर अगर चलते हैं हम, तो ये उसका फ्लैश लोड हुई है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड हुआ है स्विच का, ये लोड हुआ है। तो देन उसने बताया है कि सिस्को से मैं बिलोंग करता हूँ और ये मेरे सारी चीज़ें हैं एंड सारी चीज़ें हैं अपने से पार्ट नंबर और सारा कुछ बता दिया, मैक एड्रेस भी बता दिया, जो सॉफ्टवेयर उस पर वर्जन चल रहा है वो उसने बता दिया है। स्विच है, 26 पोर्ट है, 24 फास्ट ईथरनेट की और 2 गीगा की पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब ये देखें लिंक 5 चेंज इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 चेंज स्टेट टू अप। ये मैसेज तब डिस्प्ले होता है जब हम कोई डिवाइस स्विच के साथ कनेक्ट करें, तो कमांड प्रॉम्प्ट में इसके CLI में हमें मैसेज आता है जो ये मेक श्योर करता है, जो हमें कंफर्म करता है कि आपकी डिवाइस कनेक्ट होगी। वैसे तो उसकी पोर्ट के कलर को भी देख के हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन असल मैसेज ये होता है जो सामने आता है हमारे। ठीक है, इसी तरह 9 हमने कनेक्ट किए हैं डिवाइसेस, तो ये देखें 9 मैसेजेस हमें आए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पोर्ट आपकी अप हो गई है। अच्छा, दोबारा 1-1 के क्यों आए हैं? क्योंकि ये मैंने बार बार जो अभी डिसकनेक्ट और कनेक्ट करके आपको दिखाई है, तो वो पहले डाउन हुई जैसे डिसकनेक्ट किया, और जब कनेक्ट किया अप हुई, फिर जब दूसरी बार डिसकनेक्ट किया और दोबारा कनेक्ट किया तो ये अप हो गई। एंटर। ठीक है, अब स्विच या राउटर जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास 3 मोड्स होते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं लिखता हूँ ना SH, अगर OW शो और क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, तो आप चीज़ों को इस मोड में शो कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ शो आर्क, जो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे शो आर्क, अब कोई भी आपका मैसेज नहीं हुआ तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, इसीलिए ठीक है। अगर शो SSH अगर मैं करूँ, कोई सर्वर नहीं रन हो रहा है सिक्योर शेल का, तो वो उसने बता दिया हमें, ठीक है। तो इस मोड में आप शो कर सकते हैं चीज़ों को। अगर मैं एनेबल की कमांड लगाता हूँ तो मैं एक दूसरे मोड में एंटर हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ज़्यादा व्यू कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं आप, फंक्शंस को रीसेट हो जाता है उससे, साथ साथ वो एग्जाम्पल बता भी देगा कि वो कमांड करती क्या है, ठीक है। सामने डिस्कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क से, पिंग की कमांड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर पिंग अगर कोशिश करें, अच्छा IP एड्रेस तो नहीं है, ये देखें ये पिंग कर रहा है, लेकिन पिंग होगा नहीं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। तो आप टेस्टिंग की कुछ कमांड्स यहाँ पे रन कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास रहता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल की एक कमांड होती है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करके एंटर करूँगा तो हम कॉन्फ़िग साथ लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करनी होती है वो आप यहाँ से करते हैं। जैसे मैं अगर डिवाइस का नेम चेंज करना चाहता हूँ तो उसकी कमांड होती है होस्ट नेम और आगे जो नाम आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कमांड समझ में नहीं आ रही कि उसके आगे मैंने क्या करना है तो क्वेश्चन मार्क डाल दें, पहला वर्ड लिखें, वर्ड कौन सा जो कि सिस्टम का आप नाम रखना चाहते हैं। तो मैं अगर इसका नाम रखता हूँ CCNA स्विच, एंटर किया, देखें तो नाम इसका चेंज हो गया, ठीक है। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, एक एडिट किया है, ठीक है। वो इस मोड में जाके एडिट होता है जिसे हम ग्लोबल प्रिविलेज मोड भी कहते हैं, ठीक है। मोड तो आपको क्लियर हो गया और आपको इंटरफेस का आइडिया हो गया। कमेंट सेक्शन मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी, होस्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करता है। रेकमेंड किया जाता है कि रखें लाजमी आप, ताकि बहुत सारे स्विचेस होते हैं नेटवर्क में, तो आप होस्ट नेम उनका रखते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, या अगर कोई स्विच अगर IT रूम में पड़ा है तो IT रूम स्विच 1, ठीक है। अगर कोई स्विच HR के कमरे में पड़ा हुआ है तो HR स्विच 2, इस तरह करके आप कर सकते हैं। चलें, ग्रेट है। अब VLAN बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, उसके लिए जो कमांड होती है ना हमारे पास, उसकी कमांड है VLAN, ठीक है। अच्छा, एक मज़े की चीज़ और होती है, अगर आपको कमांड याद है ना, मतलब VLAN की कमांड बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए VLAN होती है, ठीक है। मैंने VLAN लिखा और साथ में टैब दबाऊंगा ना, तो वो सिस्को क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस कमांड को कंप्लीट कर देता है। ये कब बेनिफिट होता है, जब आपने बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स रन करनी होती हैं, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लेता है वैसे तो, वो हम अभी आप जब मैं करूँगा ना कॉन्फ़िगरेशंस तो आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखें इंटरफेस, टैब दबाया, INT लिख के मैंने टैब दबाया, इंटरफेस आ गया। फास्ट ईथरनेट मुझे लिखना पड़ना था, अब मैंने FA लिखा, टैब दबाया, फास्ट ईथरनेट खुद ही उसने फेच कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं एंड करता हूँ इसको, सॉरी। रिस्पॉन्सिबल के थोड़ा सा एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं कॉल अटेंड कर लूँगा। जी फ्रेंड्स, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कमांड आप एंटर कर रहे होते हैं ना, और गलत अगर टाइप हो जाए कोई कमांड, तो ये इस पे चला जाता है डोमेन सर्वर पे ना, वो उसको समझता है कोई आप वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, तो उसको रीच आउट नहीं कर पा रहा होता, तो इस वजह से ये फिर कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसको एंड करने का तरीका होता है, कमेंट में भी किसी ने लिखा है Ctrl+Shift+6, बिल्कुल 2 से 3 स्टूडेंट्स ने लिखा है ये चीज़। तो डोमेन लुकअप जो होता है ना, उसको मतलब वो कर नहीं पा रहा होता क्योंकि हमारे पास कोई डोमेन सर्वर लगा नहीं हुआ, तो इस वजह से ये फिर इस वजह से इस एरर में आ जाता है। तो इसको आप इस Ctrl+Shift+6 दबा के इसको ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपके सामने आ जाती है ये चीज़ तो ठीक है। हम अभी क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में एंटर हो जाते हैं, और ये देखें मैं अब शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ, conf p लिख रहा हूँ सिर्फ, तो वो मुझे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में ऑटोमेटिकली ले गया है। डिपेंड करता है आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है कमांड्स पे, तो आप उनके शॉर्ट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या टैब दबा के उनको कंप्लीट करके भी लिख सकते हैं। चलें अब VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले जो है ना VLAN कीवर्ड, और मैं अगर क्वेश्चन मार्क डालता हूं तो आपके सामने आ जाती है चीज़ें कुछ। अच्छा, एक तो कह रहा है आप कितनी क्रिएट कर सकते हैं, 1 से लेके 4094 VLANs क्रिएट कर सकते हैं, आप इतने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और साथ ये जो हमारे पास आ रहे हैं ISL VLANs ID, ठीक है, ये जो है हमारे पास 1 से लेके 1005 तक कुछ हमारे पास VLANs पहले से ही क्रिएट हुई भी होती हैं, ठीक है। ISL ये सिस्को प्रोप्राइटरी होता है हमारे पास, इसके सिस्को का तैयार किया हुआ ये प्रोटोकॉल है बेसिकली। अच्छा, अब इसमें कोई भी आप नंबर दे सकते हैं VLAN के आगे ना, वो नंबर बस आपने याद इस सेंस में रखना होता है कि कहीं और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो वो नंबर आपको तब याद रहना चाहिए। तो अगर मैं इसको कह देता हूँ VLAN 10, 1 से लेके मैं कोई भी 4000 तक नंबर दे सकता हूँ, मैं इसको VLAN 10 कह देता हूँ, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैंने VLAN क्रिएट की तो मेरा मोड चेंज हो गया, कॉन्फ़िगर VLAN में चला गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप इसका नेम रख सकते हैं, नेम और क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो वो कह रहे हैं वर्ड लिखें, कोई नाम लिखें इसका। तो ये VLAN अगर मेरा पहला ग्रुप देखूँ कौन सा है पैकेट ट्रेसर में, IT के लिए हम बना लेते हैं ना सबसे पहले, तो स्विच पे आ जाए वापस, मैं बड़ा कर लेता हूँ, नेम IT, ठीक है, एंटर कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, VLAN क्रिएट हो गई है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि VLAN क्रिएट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। उसके हमारे पास कमांड होती है शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा शो VLAN ब्रीफ, तो देखिएगा क्या होता है, एरर दे दिया उसने। क्यों? मैंने आपको कहा था कि कॉन्फ़िगर में आप चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, शो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ये सीखने के मोड्स का आपको आइडिया हो जाएगा उसकी वजह से। तो हम इसको एग्जिट करेंगे, इस मोड से निकलेंगे, उसकी कमांड होती है एग्जिट। VLAN के मोड से हम बाहर आ गए, अब कॉन्फ़िग मोड से भी हमने बाहर आने, क्योंकि हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, हम कुछ चीज़ें शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। शो VLAN ब्रीफ क्लिक किया मैंने, देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास VLAN क्या है 1, और वो सारे के सारे इंटरफेस या पोर्ट्स इसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, FA01, फास्ट ईथरनेट 1, 2, 3, 4, 5, गीगाबिट 0, 1, 0, 2 सारे बाय डिफ़ॉल्ट 1 में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था, 1002 सिस्को प्रोप्राइटरी है, ये पहले से क्रिएट हुई भी है हमारे पास, लेकिन इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी के पे बेस कर रही होती हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्रिएट की हुई थी। पहले हमारे पास टोकन रिंग का नेटवर्क होता था, FDDI नेट, ये हमारे पास होते थे इस तरह के नेटवर्क, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। हाँ जी, आप कर सकते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि डू की कमांड यूज़ करके, लेकिन मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर रहेंगी ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको समझ आ सके। अच्छा, हमने जो क्रिएट की वो ये रही, उसका नाम क्या है आईटी, और उसको जो हमने नंबर दिया 10 वो आ गया है यहाँ पे, और उसका स्टेटस आ रहा है उसका एक्टिव। गुड गोइंग, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब बाकी भी हमने बनानी है, ठीक है, या पहले हम कर लेते हैं, इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि अब कौन से इंटरफेस कनेक्टेड हैं आईटी के स्विच के साथ। अगर मैं इसको मूव करके देखता हूँ तो इसका इंटरफेस FA01, ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसको मैं मूव करके देखता हूँ तो FA02, और इसको देखें, ये देखें FA03, ये जो लिखे हुए हैं जिस पोर्ट के साथ स्विच की वो कनेक्टेड है वो आपने याद रखना है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है क्योंकि हम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल क्लिक किया, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए हम। यहाँ पे एक कमांड होती है इंटरफेस, ये उस इंटरफेस या पोर्ट में एंटर होने के लिए यूज़ होते हैं ताकि उस पोर्ट पे हम जो सेटिंग करना चाह रहे हैं उस सेटिंग हम कर सकें। उस पोर्ट को अगर राउटर के केस में अगर IP एड्रेस देना चाहते हैं तो हम IP एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। उस पोर्ट पे हम कोई सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस इंटरफेस या पोर्ट में एंटर होने के लिए जो कमांड होती है ना वो इंटरफेस है, और FA01 फास्ट ईथरनेट, उसका नंबर लाजमी है 0/1, एंटर। तो ये देखें आप साथ कॉन्फ़िग के आगे इंटरफेस, उस आप इंटरफेस में एंटर हो चुके हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर है जो सॉफ्टवेयर है, ये उस इंटरफेस में आप एंटर हो गए हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क को लाजमी यूज़ करके देखिएगा ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमारे जो VLAN के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कमांड है ना वो स्विच पोर्ट है, ये हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच पोर्ट मोड, क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो क्या मोड आ रहे हैं हमारे पास, एक्सेस, डायनेमिक, ट्रंक। एक्सेस, डायनेमिक में तीनों आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम एक्सेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितनी भी एंड डिवाइसेस होती हैं ना, एंड डिवाइसेस मतलब ये जो सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं लोग, ये वाले सिस्टम, इनके साथ जो कनेक्शन किया जाता है या जिस पोर्ट के साथ वो कनेक्टेड होती हैं तो उनको एक्सेस रखना होता है ताकि उनमें से सिर्फ सिंगल VLAN की इंफॉर्मेशन गुजर सके। एक्सेस पोर्ट्स हमारे पास ऐसी पोर्ट्स होती हैं जिनमें से एक सिंगल VLAN की इंफॉर्मेशन गुजर सकती है सिर्फ। क्लियर है आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ कि एक्सेस पोर्ट क्या होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्सेस की आपको समझ आई है। आपने एक्सेस के मुतालिक दो चीज़ें याद कर लेनी है, एक तो एक्सेस एंड डिवाइसेस के लिए यूज़ होती हैं। एंड डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो एंड यूज़र यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा, एक्सेस पोर्ट में से सिर्फ एक VLAN की इंफॉर्मेशन पास हो सकती है सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ट्रंक पहले चलते हैं, डायनेमिक से पहले। ट्रंक जो पोर्ट होती है ना वो बिटवीन टू डिवाइसेस, जो टू स्विचेस भी हो सकते हैं या स्विचेस और राउटर भी हो सकते हैं, उनके दरमियान जो आपका कम्युनिकेशन होता है लिंक, वो ट्रंक यूज़ होता है जब आप VLANs कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे इस सिनारियो के केस में हमारे पास कोई दूसरा स्विच नहीं है, ना ही कोई राउटर है, तो यहाँ पर भी ट्रंक हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ट्रंक क्या करता है, ट्रंक मल्टीपल VLANs की इंफॉर्मेशन अलाउ करता है कि उसमें से पास हो सकें, ठीक है। एक पोर्ट में से मल्टीपल VLAN 10 है, 20 है, 30 है, ये सारे एट अ टाइम पास कर सकेंगे ट्रंक की लिंक अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आपने एक्सेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो जो VLAN 10 है सिर्फ वही गुजर सकेगी अगर वो अलाउड है तो उस पोर्ट में से, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्सेस पोर्ट जो होती है वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकती है फॉर अ सिंगल वीलैन। वीलैन 10 है तो सिर्फ वीलैन 10 का ही इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर सकेगी उस इंटरफेस से, उस पोर्ट में से, ठीक है। ट्रंक अगर लिंक है तो मल्टीपल वीलैंस का इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है फ्रॉम दैट इंटरफेस या पोर्ट। एग्जाम्पल वीलैन 10 की इंफॉर्मेशन भी जा रही है, 20 की भी जा रही है, 30, 40, 50, मतलब मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है। अभी अगर कन्फिगर करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि किस तरह है। अभी आप अपने पास नोट्स बनाते हैं जो मैं मेन आपको कीवर्ड बताता हूँ कि उसका पर्पस क्या होता है। उसका पर्पस जब भी आपके सामने प्रैक्टिकली परफॉर्म होगा ना और फिर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड, अब मैंने एक्सेस बनाना है क्योंकि मैं एंड डिवाइसेस के साथ अभी वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ पीसीज अटैच है, ठीक है, जिस मैं इंटरफेस पे हूँ 01, उस 01 के साथ क्या चीज़ अटैच है, 01 ये है, 01 के साथ पीसी अटैच है, एक एंड डिवाइस है, ठीक है, तो ये एक्सेस कन्फिगर होगा। तो इसी तरह ये सारे ही लिंक्स एक्सेस कन्फिगर होंगे, हम इनको एक्सेस करेंगे कन्फिगर बारी बारी। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर। अब इससे क्या हुआ, मेरा जो ये जो पोर्ट थी या इंटरफेस था ये इसका मोड चेंज होके एक्सेस अब हो गया है, इसमें से सिर्फ सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है। सिर्फ मैंने स्विच को ये चीज़ समझा दी कि आपने से इसमें से एक सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन सिर्फ पास करनी है। सेकंड कमांड क्या है, स्विच पोर्ट एक्सेस, एक्सेस के बाद वीलैन, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और उस वीलैन का नंबर। अभी हमने वीलैन 10 क्रिएट किया ना तो मैं 10 लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा क्या होता है। अगर कोई एरर नहीं आता ब्लैंक स्पेस आते इसका मतलब आपकी कमांड्स एक्सेप्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ये कमांड मेरी एक्सेप्ट हो गई है। अब हुआ क्या है, इसने जो हम जिस इंटरफेस में हम थे, कौन से इंटरफेस में थे, 01 में, उसके अंदर हम सेटिंग कर रहे थे, तो हम उस इंटरफेस में आके बोल रहे हैं स्विच को कि जो ये इंटरफेस है 0/1 इसको कहाँ डाल दो, वीलैन 10 में एंटर कर दो, ठीक है। इसको हम वेरीफाई या चेक कैसे कर सकते हैं, तो शो वीलैन डीफ, लेकिन मैंने आपको बताया ये कमांड तो यहाँ चलेगी नहीं, ठीक है, हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, उधर शो वाले मोड में जहाँ पे शो की कमांड्स चलती हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल स्टार्ट में चले जाओ, यहाँ पे डू लिखते हैं, डू मेक श्योर करता है कि आपकी कमांड फोर्सफुली रन हो। वैसे परमिशन तो नहीं है कि इस मोड में आप आके शो की कमांड यूज़ करें, लेकिन डू फोर्सफुली इस कमांड को एग्जीक्यूट करवा देगा। मैं एंटर करता हूँ तो देखिएगा उसने वो कमांड रन कर दी और मेरे सामने वीलैंस की जो स्टेटस है वो सारा आ गया है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे 01 होता था वो गायब है, वो गायब है, वो गया कहाँ पे, वो हमारे पास जहाँ पे जिस इंटरफेस में हम उसे कॉन्फ़िगर कर रहे थे, 01 चला गया हमारी आईटी की जो हमने वीलैन क्रिएट किया उसमें, कमांड लिस्ट में आपको भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहें। वो बल्कि दो से तीन कमांड्स हैं, असल चीज़ समझने वाली है, ठीक है। अभी हम इतने सारे जो मैंने तीन, ये थोड़ा सा बड़ा सिनारियो इस वजह से लिया कि बार बार कमांड्स आपके सामने रिपीट होंगी तो आपको मतलब आइडिया हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। ये पोर्ट चलेगी यहाँ पे 01। इसी तरह हम 02 एंड 03 को भी वीलैन 10 में एंटर करेंगे। मैंने वो आईटी के लिए बनाई है ना, तो आईटी की वीलैन में जो आएंगे ये वाले इंटरफेस, उसके पोर्ट्स जो हैं जिसके साथ वो कनेक्टेड है स्विच के साथ। बाकियों को भी अब हम कर लेते हैं, यहाँ से एग्जिट करें। अभी हम इस इंटरफेस में हैं 01 के, हमें 02 में जाना है। अब तो मैं कमांड लगाऊंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, इसको पहले एक्सेस बनाऊंगा, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक्सेस बनाऊंगा। एक्सेस बनाने के बाद इसको उस वीलैन में पुट कर दूंगा, स्विच पोर्ट एक्सेस 10 में पुट करना था तो वो नंबर वीलैन का आ जाएगा 10। ठीक है, अगर मैं अब डू शो वीलैन करता हूँ यहाँ पे डू शो वीलैन ब्रीफ, तो अब देखिएगा 02 पोर्ट भी इसमें आ गई, सिमिलरली 03 भी आएगी। इस इंटरफेस में से एग्जिट करते हैं क्योंकि 02 में है हम अभी, यहाँ से एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 मोड पहले एक्सेस बनेगा। ठीक है, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस जिस वीलैन में उसको एंटर करना चाह रहे हैं, जिस इंटरफेस में आप अभी अवेलेबल हैं 03 में है, 03 को किस वीलैन में आप ऐड करना चाह रहे हैं वो लिख दें, 10 में ऐड करना चाह रहा हूँ एंटर। दोबारा वेरीफाई कर देता हूँ कि आ गया है कि नहीं आ गया, ये देखें तो ये 3 पोर्ट्स मेरी इस वीलैन में आ चुकी हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम एचआर डिपार्टमेंट में अब सेम यही कॉन्फ़िगरेशन हम एचआर डिपार्टमेंट में करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा, डायनामिक का एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि डायनामिक का बता दो, जो डायनामिक यहाँ पे लिखा हुआ आया था। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर जाऊँ, हाँ, डायनामिक अगर आप सेट कर देते हैं ना तो दूसरे एंड पे जो आपने सेटिंग की होगी ना उसको ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा। अगर आपने दूसरे एंड पे एक्सेस सेट किया हुआ तो इसको भी वो एक्सेस ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, या अगर दूसरे एंड पे आपने ट्रंक सेट किया हुआ तो ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन फैच करके ये साइड भी, ये लिंक भी वो ट्रंक एडजस्ट कर लेगा। ये चीज़ होती है। जाफिर देखें, आसान चीज़ तो कोई भी नहीं होती, बस ये फ़र्क होता है कुछ चीज़ स्टूडेंट्स के लिए जो है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टफ होती हैं, किसी के लिए थोड़ी टफ होती हैं तो किसी के लिए इजी होती हैं। ठीक है, बाकी मेहनत से उस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें, यूट्यूब पे भी आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। इस लेक्चर को अगर आप दोबारा देखें वो भी आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं, तो कोशिश करें, बाकी कोशिश इंसान करते हैं, अल्लाह पाक उसका फिर अजर आपको देते हैं। हमारे पास 3 मोड्स होते हैं, एक्सेस, डायनेमिक और ट्रंक। ठीक है, एक्सेस में से सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन पास होती है और एंड डिवाइसेस के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, अब मेरे जो ये पोर्ट्स थे इसके साथ कनेक्टेड क्या थे, केबल के थ्रू क्या कनेक्टेड थे, पीसेस कनेक्टेड थे, एंड डिवाइसेस थी, तो मैं इनको लिंक्स को या इंटरफेसेस को एक्सेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्विच होता है इसकी जगह पे तो फिर मैं इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर करता, और ट्रंक में से मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन पास हो सकती है। ठीक है, डायनेमिक ये चीज़ मेक श्योर करें, 2 स्विचेस के दरमियान अगर आपका कनेक्शन है, स्विच ए एंड स्विच बी, उनको आपने केबल से कनेक्ट किया हुआ है और किसी एक साइड पे एक स्विच की उस पोर्ट पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ट्रंक की और दूसरे पे डायनामिक सेट हुआ है तो दूसरे एंड पे डायनामिक ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाएगा। क्वेश्चंस हैं सर, आईपी एड्रेस जो है वो हम इंटरनेट से हाँ स्टैटिक दे रहे हैं ना, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हम खुद दे रहे हैं। अगर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, अगर हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया होता और यहाँ पे DHCP भी क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता उसको। ठीक है, DHCP सर्वर नहीं है वो आईपी एड्रेस नहीं फैच करेगा। ये जो आया है ये विंडोज़ का एक फीचर है जिससे अगर उसे कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलता ना तो उसको एक सर्टन रेंज से वो आईपी एड्रेसेस दे देता है। अब ये एक रिजर्व रेंज है जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, अभी रिजर्व इसी वजह से क्योंकि विंडो ने इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया हुआ है कि अगर कोई आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो मैं उसको खुद एक आईपी एड्रेस दे दूँ जिसके थ्रू एटलीस्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके और वो डिवाइस बिल्कुल मतलब ऐसा ना हो कि कम्युनिकेट ही ना कर सके। इसको हम अपीपा कहते हैं, APIPA। ठीक, तो हम स्टैटिक दे रहे हैं तो खुद से आईपी एड्रेसेस दे रहे हैं, 192.168.1.1. पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें यार। ठीक है, स्टूडेंट्स जो साथ हैं, जो माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिव भी हैं, वो भी गाइड कर दिया करें, और गाइड कर भी रहे हैं तो कोशिश करें ज़्यादा लोगों को आप गाइड कर दें, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिस्पॉन्ड करूं साथ के साथ। अच्छा, ये आप हमारे पास VLAN बन गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये पोर्ट नंबर या इंटरफेस इसको कहते हैं 01, 02, डिफरेंट जो पोर्ट्स होती है ना हमारे पास स्विच में। फिजिकल में जाऊँ, जूम इन करूँ, ठीक है, ये देखें ये 01, 02, 03, 04, 05 ये पोर्ट्स हैं, इंटरफेस इनको कहते होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक VLAN में आ गया है, उस VLAN का नाम मैंने 10 रखा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ VLAN 10, ठीक है, ये VLAN 10 में हमारे पास आ गया। ये मैं इसको VLAN 20 में डालूंगा, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। उसको VLAN 30 में क्रिएट करके पहले हम VLAN क्रिएट करेंगे, फिर उसको इंटरफेसेस को उस VLAN में ऐड कर देंगे, ठीक है। दोबारा आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हमारे पास है 5, 4, 05 एंड 06, ये इंटरफेसेस हैं, इनको हम अब ऐड करेंगे VLAN 20 में, लेकिन उसके लिए VLAN 20 बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब दोबारा से आ जाएं कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ से एग्ज़िट करें इंटरफेस से, कॉन्फ़िग में आ जाएं सिंपल। अब सबसे पहले VLAN को क्रिएट करें। VLAN मुझे 20 क्रिएट करनी है, 20, और उसका नेम मैं लिख देता हूँ HR, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, डू शो VLAN करके। हाँ, HR की बन गई है बिल्कुल, और उसको जो हमने नंबर अलॉट किया था वही अलॉट हो गया, ठीक है। अब ये जो 456 पोर्ट्स हैं, जो HR के पीसीज हैं उनके साथ जो पोर्ट्स हैं वो 456 हैं, वो इनमें आप ऐड कर देते हैं। हम यहाँ से एग्जिट हो VLAN से, इंटरफेस में एंटर हो, पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 मोड चेंज करें, ठीक है। जिस VLAN में एंटर करना है उस VLAN का नंबर 20 VLAN में एंटर करना है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस पे आने 04 हो गया, 05 पे आ जाए, यहाँ से एग्जिट करें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, ठीक है, मोड चेंज करें। मोड चेंज कर दिया, अब उसको उस VLAN में एंटर करते हैं 20, ठीक है जी। अब यहाँ से भी एग्जिट करके लास्ट जो HR का पीसी है जो जिस पोर्ट के साथ वो कनेक्टेड है उसको अब कर लेते हैं हम। इंटरफेस FA, शॉर्ट फॉर्म भी चलती हैं, डिपेंड करता है जितना आप सीख चुके हैं। FA 0/ लिखूँ तब भी ठीक है, फास्ट इथरनेट, उसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 5 एंड 6 वाला आ जाएगा। एंटर और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, जिस VLAN में ऐड करना है 20 में ऐड करना है, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेंगे वो तीनों पोर्ट्स चली गई है वहाँ पे। शो VLAN ब्रीफ, ये देखें 4, 5 एंड 6 वहाँ से निकल के हमारे पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। मैंने सेम जिस तरह पहले कॉन्फ़िगर किए हैं उसी तरह कॉन्फ़िगर किए हैं, ठीक है। उससे पहले ये सारा नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको पिंग भी करके दिखाया था, इन सारों को एक दूसरे को वो पिंग भी कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। चेक करते हैं कि आप पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप ये पिंग करेगा नेटवर्क कि नहीं करेगा पिंग? मुझे उसमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पिंग करके देख लेते हैं हम, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है तो वो खुद ही देख लें कि क्या होता है। मैं पहले पीसी को पिंग करता हूं जो कि 192.168.1.1 है, ये वाला पीसी। ठीक है, सबसे पहला आईटी का सबसे पहला पीसी PC0 जो है, जो लिखा हुआ है, मैं उसको पिंग कर रहा हूँ लास्ट पीसी से। एंटर करते हैं, पिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो VLANs बनाने का मकसद यही होता है ना कि हमने ग्रुपिंग कर दिया है, उनको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। हाँ, अगर हम चाहते हैं कम्युनिकेशन पॉसिबल तो उसके लिए इंटर VLAN राउटिंग है, जो मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था ये चीज़। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, इस पर VLANs, इस पर भी VLANs कॉन्फ़िगर कर लिया। अब लास्ट सेल्स का सेक्शन है, सेल्स का फ्लोर है, उस पर भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, ये इस पीसी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी पीसी से कह रहा हूँ, स्विच पे। यहाँ पे इंटरफेसेस कौन से हैं हमारे पास, 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 पोर्ट स्विच के उसके साथ कनेक्टेड है ये पीसीज वाया केबल ना। तो चीज़ों को अब आसान का तरीका भी है, वो आसान जो तरीका है वो ये हो सकता है कि मैंने पहले ही आपको इसलिए नहीं बताया कि पहले चीज़ें देखें कि किस तरह होती हैं, तो उसके बाद आपको आइडिया हो कि आसान भी हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे कर सकते हैं जिनसे आप मतलब फास्ट अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। इंटरफेस कौन कौन से हैं मेरे, 7, 8 और 9। तो उसके अगर आप मल्टीपल इंटरफेसेस पे सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कमांड है। हमने जो सेपरेट हर इंटरफेस में एंटर होके कर रहे थे उससे बचा जा सकता है, और उसके लिए कमांड जो है वो ये है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट। आगे कौन से हैं हमारे पास, 0/7-9। कमांड को समझेगा, इंटरफेस वही कमांड है, रेंज मतलब आप स्विच को बता रहे हो कि एक सर्टन रेंज है जिस पे मैं इकट्ठी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा हूँ, कौन सी, फास्ट इथरनेट की। अच्छा, वो रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0/7 से लेके 0/9 तक। ठीक है, 0/7, 0/8, 0/9 से 7, 8, 9 इंटरफेस पे आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाले ऊपर 7, 8 और 9 तक जाना चाह रहे हैं। मैं जिसको इसको एंटर करूंगा तो देखिएगा, देखिए रेंज वाले मोड में आप एंटर हो गए। अब मैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो इन तीनों इंटरफेसेस पे एक साथ हो रही होंगी। स्विच पोर्ट सेम मोड एक्सेस बना लूँगा इनको। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN का नंबर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब मैंने तो यहाँ पर मतलब क्रिएट ही नहीं की थी VLAN, बाकी आईटी की दफ़ा मैंने VLAN क्रिएट की, और जो है HR की दफ़ा भी मैंने VLANs क्रिएट की। तो आप यू भी कर सकते हैं, अगर आप VLAN नहीं भी क्रिएट करते और यहाँ पर आकर आप उस VLAN को लिख देते हैं, 30 मैंने क्रिएट नहीं की लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो देखिएगा क्या होता है। क्या लिखा हुआ है जी, एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएटिंग VLAN 30। उसने हमारे लिए क्रिएट कर दी है खुद ही, तो आप डायरेक्ट आके यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं VLAN, बजाय इसके कि आप सेपरेट कर रहे हो क्रिएट। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी कमांड ने सही वर्क किया है। कैन यू डू शो VLAN ब्रीफ, हमारी VLAN बनी है, उसको हमने नेम नहीं दिया था तो उसने ऑटोमेटिकली नेम रख दिया, जो उसका सीक्वेंस है जिस तरह से इसको रखता है। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं अभी, और उसमें हमारी वो पोर्ट्स एक साथ एंटर हो गई हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम सिंगल करके हमने एंटर करें। ठीक है, तो रेंज की कमांड इसलिए काफ़ी यूजफुल है। तो यहाँ से एग्जिट करता हूँ मैं, यहाँ से एग्जिट करके मैं VLAN 30 लिखता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ सेल्स, सॉरी अब करता हूँ डू शो VLAN ब्रीफ। ये देखें 30 नाम उसका अपडेट हो गया और ये तीनों अब एक्टिव हैं। तो ये इस तरह से VLANs जो है ना वो कम्युनिकेट होती हैं, सॉरी कॉन्फ़िगर होती हैं। कमांड्स हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। स्टेप्स मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूँगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, हमने देखा कि ये पूरा चंक इस चंक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा था और ना ही इससे करेगा क्योंकि VLAN सेपरेट उनके बने हुए हैं। ठीक है, क्या ये इंटरनल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? पीसीज, सेल्स के पीसी आपस में कर सकते हैं कम्युनिकेट, एचआर के पीसी अपने साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आईटी के पीसीज अपने साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या ऐसा पॉसिबल है या वो भी नहीं कम्युनिकेट करेंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो यस कह रहे हैं, पता नहीं अब एक दूसरे को देख के यस कह रहे हैं या फिर उनको वाकई पता है। लेकिन मैं अच्छा रिज्यूम करूँगा कि आप लोग लाइक हैं सब और आप लोगों ने सोच समझ के जवाब दिया है। तो हम चेक कर लेते हैं, पिंग करते हैं, पिंग इसके अपने नेटवर्क को ही पिंग करते हैं। ये .1 था तो ये .2 था, पिंग 192.168.1.2 एंटर, पिंग कर लिया अपने इंटरनल नेटवर्क को। सिमिलरली जो हमारे पास होंगे एचआर वाले वो भी इंटरनली एक दूसरे को पिंग कर सकेंगे और ये जो हमारे पास होंगे आपके सेल्स वाले वो भी इंटरनल एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट VLANs में होंगे वो एक दूसरे को अब रीच आउट नहीं कर सकते हैं। ग्रेट, तो इस तरह से VLANs कॉन्फ़िगर होती हैं। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है जी? सबसे पहले आपने VLANs को क्रिएट करना है। वो कहाँ पे क्रिएट होंगी? कॉन्फ़िगर मोड में जाके। उसके लिए कीवर्ड क्या है? VLAN स्पेस, जो नंबर आप उसको देना चाहते हैं वो आपके अपनी मर्जी का हो सकता है। ठीक है, आपकी याद दहानी के लिए आप 1 नहीं रख सकते, 1 नेटिव VLAN है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा 2 से लेके आप 4094 तक रख सकते हैं नाम। ठीक है, नंबर दे सकते हैं, वो नंबर दे दिया। जैसे आपने वो नंबर दिया तो आप कॉन्फ़िगर VLAN में एंटर हो जाएंगे। वहाँ पे आप उसको नेम दे दें जो आप नेम रखना चाहते हैं, वरना इसको जिस तरह लास्ट अभी हमने किया था तो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा कोई ना कोई नाम। लेकिन अपने आसानी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना नेम्स रख लेते हैं ताकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके लिए आसानी हो, क्योंकि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑल द टाइम तो नहीं नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा होता है। शिफ्ट में जॉब्स होती हैं, तो कोई दूसरा बंदा आता है, उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है या उसको कोई चेंजिंग करनी पड़ती है या ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। तो जितना उसके लिए सामने आपने अच्छा करके उसको लिखा होगा, जितना मतलब आपने डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को लिखा होगा, उतनी उसके लिए आसानी होगी। और एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वही कंसीडर होता है जो दूसरों के लिए आसानी करता है और अपने चीज़ों को मतलब प्रॉपर इस तरह से करता है वर्किंग, मतलब उसकी नेटवर्किंग जो उसने की हुई है वो कोई दूसरे बंदे को भी बहुत आसानी से समझ आ जाए। वो टफ नहीं करता चीज़ों को कि सिर्फ उसको ही समझ आ रही है। एक VLAN स्विच पे कितनी VLAN बन सकती है? जो रेंज आ रही थी अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन मार्क और ये रेंज है उसकी, कितनी VLAN आप क्रिएट कर सकते हैं? ओके, क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है तो कुछ पूछें, फिर हम थोड़ा सा ट्रंक लिंक की तरफ जाते हैं। और अगर आपको ईमेल, अगर आप एनरोल हो गए हैं ना CCNA में, नेट अकेडमी में, तो रोल नंबर को अभी छोड़ दें आप फोकस आपका लेक्चर्स पे होना चाहिए। जी बिल्कुल, VLANs भी ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करती हैं, जैसे कि सिमुलेशन मोड में मैं एंटर होता हूं तो इसको अगर हम तो STP चलेगा ना सिर्फ। सेम नेटवर्क था ना ये, हाँ सेम नेटवर्क था सारों का, 192.168.1.255 इसका ब्रॉडकास्ट ये होगा ना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस सॉरी 192.168, इसलिए सबनेटिंग सिखाई थी ताकि आपको बताओ क्लासी है, क्लासी का IP एड्रेस तो इसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन ये होगी। तो अभी जैसे मैं एंटर करता हूँ लेट्स सपोज, तो ये पैकेट जनरेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, इसको पूरे नेटवर्क में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी देखिएगा होता है क्या है। ठीक है, हुआ क्या कि पूरे नेटवर्क में नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमने VLAN क्रिएट की हुई थी। VLAN ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज या डिवाइसेस आपस में उनकी कम्युनिकेशन करनी है तो उनके सर्टन, ये जो मैंने एक बाउंड्री बनाई है उस बाउंड्री की हद तक ही रहेगी वो कम्युनिकेशन, उससे ज़्यादा नहीं हो सकेगी। तो बिल्कुल सही कमेंट में जिसने बोला था कि जो VLANs है वो रिड्यूस करती हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरी वीडियो होपफुली स्लो नहीं होगी, उसकी रीज़न ये है कि मैं नेट के साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, नेट तो मेरा सही चल रहा है, आपके इंटरनेट में थोड़ी सी इशू हो रहा होगा। फ़हीम क्या चीज़ रिपीट करूँ, मुझे ये तो बताएं, पूरा लेक्चर रिपीट कर दूँ? मैंने बार बार देखा, मैं एग्जांपल देता हूँ ना सोसाइटी की, कि सोसाइटी कोई है उसमें बहुत सारे घर हैं, तो सोसाइटी का कोई नोटिफिकेशन होगा तो वो सारे ही सोसाइटी के घरों में जाएगा, ठीक है। दिस इज़ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अगर सोसाइटी ने कोई लेट्स सपोज 1 कनाल के घरों के लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला तो वो उस सोसाइटी में कोई सर्टन या ग्रुप ऑफ लोग होंगे जिनके 1 कनाल के घर होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है तो वो मल्टी कास्ट कहते हैं हम उसको, ठीक है। अगर किसी एक घर को नोटिफिकेशन आया कि उसने जो है वो मेंटेनेंस का बिल पे नहीं किया, तो 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है, तो दिस इज़ यूनिकास्ट, ठीक है। ये समझाने की हद तक था, ठीक है। तो अगर इस पीसी की इस पूरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था, ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो रही VLAN के थ्रू। अगर ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन हो रही है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये पूरा एक कंप्लीट डोमेन है ब्रॉडकास्ट। अगर मैं सर्कल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सर्कल का स्क्वायर बना देते हैं। ये पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, नहीं अच्छा नहीं है, डिलीट नो फिल, और अब ठीक है। नहीं हो रहा, ठीक है। ये कंप्लीट है, पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। जो सोसाइटी का पूरा मैसेज होगा स्विच किसी बंदे की तरफ से, अगर ये ठीक है, वो पूरी इस पूरे नेटवर्क पे आना चाहिए। लेकिन VLAN कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा कि वो अपनी बाउंड्री की हद तक ही महदूद हो जाएगा, उसका ब्रॉडकास्ट भी जो होगा ना वो सिर्फ उसी बाउंड्री की हद तक होगा। अगर VLAN हमने ना कॉन्फ़िगर की होती, और मैं जिस तरह इसको कर रहा था अभी, ये जो 255 के साथ मैंने ब्रॉडकास्ट की एक चलाई है, ये वाली कहाँ पे है, हाँ 255 ब्रॉडकास्ट, तो ये पूरे नेटवर्क पे होना था मेरे पास ये मैसेज डिलीवर, पिंग पूरे नेटवर्क को ये पिंग जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ड्यू टू VLANs। डिवाइसेस अच्छा मैं नेटवर्क हेड पे रिस्पॉन्स कर देता हूँ, आपको मैसेज का जवाब दे देता हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कमांड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी आपको बेसिक जो मतलब समझ आना चाहिए। आज आपकी पहली लैब है ना, तो आपको आज इंटरेक्शन होगा लैब के साथ। अभी आप सही कमांड भी लिखेंगे ना, आप कहेंगे गलत हो रही है बार बार, आपको गुस्सा भी आएगा कि यार मैं सही लिख रहा हूँ लेकिन ये क्यों गलत हो रही है, क्यों एरर दे रहा है राउट स्विच। तो ये चीज़ भी होगी आपके साथ आज, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिनके लिए ये चीज़ नहीं है। VLAN में पुट करने के बाद सब पीसी का IP एड्रेस भी चेंज करने होंगे? नहीं, जो IP एड्रेसेस उनके हैं वो हैं, वही रहेंगे। IP एड्रेस चेंज करने की क्या ज़रूरत है? स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। कमांड केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। फाइव मिनट्स जो हैं ये 5 o'clock तक हम कंटिन्यू करते हैं और स्लाइड्स को दोबारा देखते हैं एक दफ़ा ना, जो VLANs की आगे चल के जो स्लाइड्स हैं कुछ, और फिर आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया है और चीज़ें की हैं। इन द मीन टाइम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर हर VLAN में नेटवर्क पोर्शन सेम रखना है? नेटवर्क पोर्शन तो IP एड्रेसेस में होता है, VLAN में किस तरह आप कह रही हैं इस पर कि नेटवर्क पोर्शन सेम रखना? इसके लिए HR जो कम्युनिकेट करेगा IT के साथ, इसके लिए इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी हमें। कमांड की PDF तो नहीं, लेकिन मैं बना दूंगा आपको। IP तो आप हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया ना, मैंने क्लास C का IP एड्रेस चूज़ किया। मैं यहाँ पे क्लास A का भी चूज़ कर सकता था, 10.1.1 कर देता, तो आपके लिए आसानी है जो आप चूज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। सबनेटिंग का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, जब अगर सबनेटेड IP चूज़ करते हैं तो उसकी वो क्या क्या मतलब नेटवर्क्स बनेंगे, उस हिसाब से वो नेटवर्किंग वो सॉरी राउटिंग में वो चीज़ आएगी, तब आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आप फिक्र ना करें। के ग्रुप में पोस्ट शेयर किया? जी, मैंने आपका मैसेज पहले भी देख लिया था, ग्रुप में मैं पोस्ट वो अलाउ कर देता हूँ, बेफिक्र रह जाए। जी, अपनी मर्जी से आप IP एड्रेस चूज़ कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर की हद तक, वरना जो आपको रियल वर्ल्ड में जो IP दिया होगा उसी पे आपने काम चलाना होगा। पेपर आपका MCQs टाइप होगा सिर्फ, और लिमिटेड टाइम के अंदर आपने उसको सॉल्व करना होगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर को छोड़ते हैं, पेपर की फिक्र ना करें। आपको पेपर क्लियर करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र हैं। VLAN जो है ग्रुपिंग के लिए यूज़ होती है, लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए मैंने बताया था। कोई स्टूडेंट अगर कमेंट में रिप्लाई कर दें इनको, बिलाल को, रोज़े के साथ बार बार बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। जी रिजवान, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। लेक्चर को यूट्यूब पे, चल इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मूविंग बैक टू द स्लाइड्स। तो ये आपको समझ आ गई कि पार्टीशनिंग किस तरह हुई और आपने कॉन्फ़िगरेशंस भी कर लिए हैं। इन स्लाइड्स में वही चीज़ें सिर्फ गो थ्रू करेंगे हम। ये देखें लिखा भी हुआ स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटे लेवल पे हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, तो एक आपकी अब ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ये बन गई जिसमें वो सारा ब्रॉडकास्ट फ्लड किया था। ठीक है, अगर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये आपकी बन गई, आपकी तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बन गई हैं और एक ये कम्प्लीट पूरी है, उसको ये यूज़ कर सकता है स्विच। अगर स्विच के आप पैकेट्स देखें तो वो सबको जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्विच भी तरतीब से भेज रहा है जिस तरह उसके VLANs कॉन्फ़िगर हुए हैं, वरना ये अगर होता तो ये ऑटोमेटिकली अपनी सारी 99 पोर्ट्स पे फ्लड कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रॉडकास्ट डोमेन रिड्यूस हो गया आपके। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरह से कर रहा है। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन जो मैंने आपको बताया, डिवाइडिंग द लैंड रिड्यूसेस नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, कम हो जाती हैं, नेटवर्क आपका फ्लड कम होता है। इंप्रूव सिक्योरिटी, जो सेम VLANs है वही कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब IT जो है, IT के लोग ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सिक्योर है। इसी तरह HR के लिए और सेल्स के लिए भी। इम्प्रूव IT एफिशिएंसी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी जब ब्रॉडकास्ट डोमेन कम होंगी, जब एक्स्ट्रा डिवाइसेस आपस में जो कम्युनिकेट करना बंद कर देंगी नेटवर्क पे, अपना डाटा एक्स्ट्रा का भेजना छोड़ देंगी नेटवर्क पे, तो जाहिर सी बात है आपको एफिशिएंसी मिलेगी। रिड्यूस कॉस्ट, वन स्विच क्योंकि मल्टीपल VLAN सपोर्ट कर सकता है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी। बेटर परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सिंपलर मैनेजमेंट, देखें 2 से 3 कमांड थी जिनको यूज़ करते हुए हमने VLANs को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब ये देखें टाइप्स ऑफ VLAN। डिफॉल्ट VLAN, VLAN 1 इज द फॉलोइंग। VLAN 1 द डिफॉल्ट नेटिव VLAN, द डिफॉल्ट मैनेजमेंट VLAN। ठीक है, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 क्रिएट हुई भी होती है और इसको हम नेटिव VLAN भी कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की कुछ VLANs होती हैं जैसे हमारे पास ये हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो है ये नहीं डिलीट की जा सकती, ना ही इनका आप नेम चेंज कर सकते हैं, ये जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और ये किस तरह आती हैं, स्विच में जाके अगर आप शो VLAN ब्रीफ की कमांड लिखेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा नोट के क्या कह रहा है, while we cannot delete VLAN 1, Cisco will recommend that we assign these default features to other VLAN। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा डेटा VLAN, नेटिव VLAN एंड मैनेजमेंट VLAN, 3 तरह की VLAN होती हैं। एक ऐसी VLAN होती है जो आपके डाटा को कैरी करती है। डाटा आपका ईमेल का भी हो सकता है, वेब की ट्रैफिक हो सकती है, अगर आप वीडियो कोई देख रहे हैं तो उसकी बिट्स हो सकती हैं। ठीक है, जेनेरिक क्वेश्चन लिखते हैं कि वेब की कोई भी ट्रैफिक हो सकती है आपकी। आप कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं ऑनलाइन, वो भी हो सकता है। ठीक है, वो की इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है। VLAN 1 is the default data VLAN because all interfaces are assigned to it. बाय डिफॉल्ट इसी में ही सारी पोर्ट्स पहले से होती हैं। नेटिव VLAN, दिस इज यूज्ड फॉर ट्रंक लिंक्स ओनली, ये किस लिए यूज होती है? फॉर द ट्रंक लिंक्स के लिए यूज होती है। अभी ट्रंक लिंक को हम देख लेंगे वो किस तरह होते हैं। ऑल फ्रेम्स आर टैग्ड ऑन एन 802.1Q ट्रंक लिंक एक्सेप्ट फॉर दोज ऑन द नेटिव VLAN। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, नोटपैड दो तरह के होते हैं हमारे पास ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। एक है ISL, सेकंड है 802.1Q। ठीक है, ISL जो है ना, ये सिस्को प्रॉपर्टी, यानी सिस्को ने खुद बनाया हुआ है प्रोटोकॉल ये वाला। जबकि 802.1Q है, ये IEEE बेस है, IEEE ने इसको बनाया हुआ है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओपन स्टैंडर्ड है। ये जो है ना, ये इंक्रिप्शन को सेट करते हैं। जब भी आपका VLAN, जब भी इंफॉर्मेशन आपकी VLAN के थ्रू मूव कर रही होती है ना, तो एक एक्स्ट्रा हेडर आपकी इंफॉर्मेशन के आगे लग जाता है। जैसे कि मैं अगर भी ओपन करना पड़ेगा समझाने के लिए, ये लेट्स सपोज ये आपकी VLAN की इंफॉर्मेशन मूव कर रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VLAN इंफॉर्मेशन। VLAN इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी VLAN की इंफॉर्मेशन मूव कर रही है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है VLAN के आगे, उसके आगे एक एक्स्ट्रा हेडर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि ये इंफॉर्मेशन VLAN की रीड आउट ना हो सके। एक तरह से ये इंक्रिप्शन आप कहने की होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा हेडर एडअप हो जाता है हमारे VLAN के आगे। तो वो दो तरह से हो सकता है, या ISL के थ्रू हो सकता है, जो सिस्को ने खुद बनाया और सिस्को ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ अपने स्विचेस के अंदर, या फिर 802.1Q हो सकता है, जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब ISL अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी एक परेशानी हमें ये है कि दो जो हैं VLAN इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें होती हैं, लेट्स सपोज उसका नंबर, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है वो डाटा, जिस तरह की डाटा की VLAN हो सकती है, वॉइस की हो सकती है, मैनेजमेंट की VLAN हो सकती है, जो टाइप्स अभी आपको दिखाई थी मैंने। ठीक है, उसका नंबर, उसका नेम और ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर सारी। तो अब दो सिस्को के स्विचेस हैं, अगर उनके ISL कॉन्फ़िगर हुआ है वो तो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट स्विचेस आ जाते हैं, मेरे पास एक सिस्को का स्विचेज और एक हुआवे का है, इनको मैं आपस में कम्युनिकेट करवाना चाह रहा हूँ, इन पर VLANs मैंने कॉन्फ़िगर की हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ISL जो है वो सिस्को प्रॉपर्टी है, सिर्फ सिस्को के स्विचेज में वर्क ऑन करती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर बनी 802.1Q। ठीक है, उसके लिए हमारे पास बनी 802.1Q। अब 802.1Q ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये हर जितने भी जो स्विच मेकर्स हैं या जितने भी हैं, वो सबको ये अडॉप्ट लाजमी करना पड़ता है। अब अगर सिस्को या जूनिपर का स्विच है, वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और अगर उन पे 802.1Q का ट्रंकिंग प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे और VLAN की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास कर लेंगे। ठीक है, इसे टैग्ड और अनटैग्ड VLAN का भी हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, टैगिंग हो जाती है। तो ये बीच में बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने इसलिए बता दिया, ज़्यादा इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नेटिव VLAN जी है, वो फ्रेम्स टैग होते हैं 802.1Q, यानी हर फ्रेम के आगे VLAN का 802.1Q की एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है हमारे पास। अच्छा, थर्ड आप आ जाती है हमारे पास मैनेजमेंट की VLAN। मैनेजमेंट की VLAN किस पर्पज़ के लिए होती है? दिस इज़ यूज फॉर SSH, टेलनेट, VTY ट्रैफिक and should not be carried with end user traffic। मैनेजमेंट की VLANs जो है ना वो डाटा कैरी करती हैं, वो स्पेसिफिक डाटा कैरी करती हैं, जैसे सिक्योर शेल, टेलनेट, ठीक है। ये जब भी हमने स्विचेस को एक्सेस करना होता है ना, या इसके अलावा स्विचेस के अलावा भी अगर पीसीस को हम एक्सेस करते हैं तो हम टेलनेट करते होते हैं। टेलनेट और आईपी एड्रेस तो वो उसको एक्सेस कर लेता है, उसके अगेंस्ट वो पासवर्ड मांगता है, उसमें एंटर होने के लिए स्विच में जो उस पासवर्ड सेट किया होता है हमने, तो वो पासवर्ड एंटर करके आप दूसरे स्विच को रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, टिपिकली द VLAN दैट इज द स्विच वर्चुअल इंटरफेस फॉर लेयर 2 स्विच, इसको भी छोड़ दें। SVI को जब हम देखेंगे मल्टी लेयर स्विच में तो फिर तब कर लेंगे, ये भी इसको भी छोड़ दें। अच्छा, वॉइस की अगर हम VLAN बनाते हैं जिसमें सिर्फ आपने टेलीफोन्स को ऐड अप किया हुआ है, तो उसमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक तो वो रखी हुई, क्योंकि एश्योर्ड बैंडविड्थ तो आपको स्पीड पूरी करते हैं। हो सकता है कि आपके CEO को कोई बिजनेस कॉल आई है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका अबाउट अ बिजनेस डील, तो अगर उसको उसके कनेक्शन की स्पीड ही पूरी नहीं है तो आवाज़ में डिस्टॉर्शन आएगी और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी। तो इस पर्पज़ के लिए वॉइस की सेपरेट VLANs बनाई जाती हैं। हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रायोरिटी, जैसे ही फ़ोन की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी बाकी डिवाइसेस मतलब वहाँ पे स्पीड उनको एक सर्टेन अमाउंट की स्पीड अलाउ होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आपके फ़ोन कॉल पे आ जाएगी। एबिलिटी टू अवॉइड कंजेशन, नेटवर्क में कंजेशन ना हो, डिले ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो वॉइस VLAN की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर दिस पर्पस ज़रूरत पड़ती है। ये अभी ट्रंक वाला हम करेंगे। ये इसने शो करवाया हुआ है कि मैंने कहा था ना कि दो डिवाइसेस के दरमियान स्विच या राउटर हो के दरमियान जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं पोर्ट को, वो ट्रंक पोर्ट, ठीक है, VLAN ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इनके दरमियान वो थोड़ा सा हाईलाइट करके जो ये दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रंक कॉन्फ़िगर हुआ है, यहाँ पे ट्रंक कॉन्फ़िगर हुआ है। अच्छा, ये एंटी वाइस है, यहाँ पे एक्सेस कॉन्फ़िगर हुआ है मोड जो है, और लिखा हुआ है सिस्को ट्रंक फंक्शंस अलाउ मोर देन वन VLAN। अब यहाँ से VLAN 10 है, ठीक है, यहाँ पर भी VLAN 10 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी ये चीज़ है, ठीक है। अब VLAN 10 अगर यहाँ पे एक्सेस बनाते हैं ना, तो VLAN 10 की इंफॉर्मेशन पास होकर सिर्फ यहाँ तक VLAN 10 के पास चली जाती, ठीक है। लेकिन VLAN 20 आता तो वो इंफॉर्मेशन नहीं पास कर सकती थी, क्योंकि एक्सेस तो सिर्फ एक VLAN को अलाउ करती हैं। तो इसलिए मल्टीपल VLANs हम अलाउ करते हैं, ताकि ट्रंक इसलिए बनाते हैं ताकि मल्टीपल VLAN पास कर सकें। अब इसमें से 10 भी गुजर सकती है और 10 तक जा सकती है, 20 भी इससे पास ऑन होकर 20 तक जा सकता है, 30 भी यहाँ से गुजर के 30 तक जा सकता है, क्योंकि ये ट्रंक कॉन्फ़िगर हुआ है। मल्टीपल VLAN 10 भी, 20 भी और 30 भी इससे पास कर सकती हैं। ये जो एग्जांपल है अभी हम ये करेंगे भी सही, प्रैक्टिकली इसी में ही कर लेंगे। ये देखिए, नेटवर्क विदाउट VLAN है, तो अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट आता है तो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट जाएगा, इस पूरे यहाँ से ब्रॉडकास्ट आता है तो यहाँ से भी ब्रॉडकास्ट जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट का, इसे ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कहते हैं। जब पूरे नेटवर्क में एक कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट चल पड़े ना, तो उसके ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म कहते होते हैं। आईपी से नहीं पता लगेगा मोहम्मद बिलाल आपको, आप पोर्ट से चेक करेंगे। शो VLAN ब्रीफ की कमांड है, उसमें आप देखेंगे कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं वो उसमें हैं आपके VLAN में, और उस पोर्ट्स के अंगेज देखें कि आपका कौन सा PC कनेक्टेड है। अगर VLAN आ गई है इसमें तो एक ब्रॉडकास्ट जो आएगा वो एक सर्टन रेंज तक आएगा। VLAN 10 में कोई ब्रॉडकास्ट है तो वो इस तक ही महदूद रहेगा, सिर्फ इस पार्ट तक, 10 इस पार्ट तक ही वो महदूद रहेगा 10 की हद तक, और एक्स्ट्रा कहीं पे भी नहीं जाएगा स्ट्रॉम। 20 का अगर ब्रॉडकास्ट करेगा वो 20 की हद तक रहेगा। VLAN कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मल VLAN की रेंज 1000 टू 1005 होती हैं, एक्सटेंडेड VLANs होती हैं हमारे पास, उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड VLAN वो कह रहे हैं ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे होते हैं, नेटल हो गया जैसे, या डिफरेंट आपके वेंडर्स हैं जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल जो बिजनेसेस हैं, ऑफिस में अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो ये रेंज होती है, लेकिन आप आपके पास स्विच अगर सामने है तो आप कर सकते हैं क्रिएट, उसमें मसला नहीं है। फिर वो बता रहे ये डिलीट नहीं हो सकती है, मैंने आपको पहले बता दिया। स्टोर्ड इन अ VLAN.dat फाइल इन फ्लैश, जो फ्लैश होता है ना सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच का, उसके अंदर ये इस नाम से स्टोर होती है इसकी फाइल VLAN की। अच्छा, ये बताया हुआ आपको कमांड्स है जो हैं, मैं ये कमांड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। VLAN क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इस मोड से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद VLAN और उसका जो आईडी आप रखना चाहते हैं 1 से लेके जो भी आप नंबर रखना चाहते हैं। इस मोड में आप आके तो VLAN का नेम रखना चाहते हैं तो वो नाम आप रख लें और एंड करके, ठीक है, तो आपकी ये VLAN क्रिएट हो जाएगी इसके थ्रू। फिर ये एग्जांपल दी हुई उसने, तो ये इसी तरह क्रिएट हो जाएंगे। स्टूडेंट नाम की एक VLAN 20 क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जिस पोर्ट को आपने उस VLAN में एंटर करना है सबसे पहले उस पोर्ट में एंटर हो जाए। इंटरफेस FA0123 जिस पोर्ट को आप उस VLAN में एंटर करना चाहते हैं वो एंटर हो जाए यहाँ पे आप। उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस, पहले मोड चेंज करें, एक्सेस कर दें मोड, उसके बाद उसके VLAN जिस आईडी में एंटर करना चाहते हैं, जिस VLAN में उसको वो यहाँ पे नंबर लिखते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल दी हुई उसने जैसे हमने किया है अभी। अच्छा, कुछ और कमांड्स हैं हमारे पास। शो VLAN समरी, समरी बता देगा कितनी VLANs आपने क्रिएट की हैं कितनी नहीं की। शो इंटरफेस VLAN 20, तो VLAN 20 की इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा कि वो 20 अप है, वर्किंग में है। VLAN ब्रीफ है, तो ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो यहाँ पे हैं एक्स्ट्रा जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो। इसके बाद हमारे पास ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रंक को देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देते हैं लेक्चर को, कि ट्रंक हमने किस तरह करना है। क्वेश्चन किसी का है कोई तो पूछ सकता है, ताकि बस हम ट्रंकिंग का करके फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करके। तब तक मैं इसको सेट भी कर लेता हूँ। जी, मैं आपको ये दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलें, मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज, होता क्या है कि हमारे पास एक न्यू डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, एक न्यू हमारे पास डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है और मैं इमेजिन करता हूँ कि हमारे पास स्विच जो है ना वो इसकी पोर्ट्स हमारे पास ख़त्म होगी, तो हमने एक नया स्विच भी लगाया है। ठीक, उस स्विच के साथ कुछ हमारे पास कनेक्टेड हैं जी लैपटॉप्स, ठीक है, और मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ 01 02, बल्कि नहीं तरतीब से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैंसिल 01 हम इसके साथ कनेक्शन के लिए रिजर्व रख लेते हैं। एक तरतीब से जब डायग्राम बनाते हैं ना तो याद रह जाती है, तो आप लोग भी कोशिश करें। 02 से स्टार्ट करता हूँ मैं, इसको कनेक्ट कर देता हूँ, 04 को इसके साथ कर देते हैं और 03 जो है वो इसके साथ आ जाएगा नेटवर्क। ठीक है, ये एक नया डिपार्टमेंट है हमारे पास, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं फिल कलर। इसको हम नाम दे देते हैं जी ये जी सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, सपोर्ट का डिपार्टमेंट है। इनको हम आईपी एड्रेसेस भी दे देते हैं 192.168.1.9/10। .192.168.1.12 इन को IP एड्रेसेस भी मिल गए हैं। एक चीज़ और है, मैं इसको VLAN 10 में ऐड करूँगा। ये जो हमारा नया डिपार्टमेंट बना है इसमें एक IT का बंदा बैठा हुआ है, ये एक बंदा हमारे पास VLAN 20 VLAN 30। ये बस ये लास्ट पार्ट है, वाइंड अप ही मैं कर रहा हूँ, वरना अगर यहाँ से हमने छोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट वीक पे बात जाएगी, तो बेनिफिट नहीं होगा बिल्कुल भी। वीक में 3 दिन क्लास होती है, उसको थोड़ा सा देख लिया करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी इन स्विच को भी आपस में कम्युनिकेट कर देता हूँ मैं 010 01 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इसको। फास्ट फॉरवर्ड ये आपको हो गए सारे। अच्छा, ये जो है हमारा, इसको मैं अगर कोशिश करता हूँ पिंग करने की, पिंग करता हूँ इस वाले पीसी को, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि सेपरेट VLAN में है वो पहले ही दूसरा वाला। ट्राई करना है आपको समझाने की हद तक, नहीं कर रहा पिंग। अपने पार्टनर को पिंग करके देखता है, ये जो दूसरा लैपटॉप है बिल्कुल इसके साथ .1.11 सॉरी हाँ, उसको उसने पिंग कर लिया साथ वाले पार्टनर को, क्योंकि अभी तक ये किसी VLAN में एंटर हुए नहीं है। तो अभी स्विच में हम जाते हैं, इस स्विच में जाके इस पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले VLAN क्रिएट करेंगे, कितनी VLAN क्रिएट करेंगे? 3। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, VLAN 10 नेम रखते हैं इसका आईटी, अच्छा उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करें, दोबारा क्रिएट करें VLAN 20, नेम HR, एग्जिट VLAN 30, नेम सेल्स, डू शो VLAN ब्रीफ अगर मैं करूँ तो मेरे पास ये बन गई है, देखें ठीक है ना। अब जो रेलेवेंट पोर्ट्स हैं जिस पोर्ट के साथ वो अटैच है उनको असाइन कर देता हूँ। जो 01 थी, सॉरी 01 तो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, पहले लैपटॉप के साथ 02 कनेक्टेड है, तो यहाँ से एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 ठीक है। एग्जिट दूसरे इंटरफेस में, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड, सेम वही कमांड्स है सारी जो मैं पहले करते हुए आ रहे हैं हम। अच्छा जी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, एक्सिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। चेक कर लेते हैं, हमने चेक किया, देखें वो रेलेवेंट पोर्ट्स आ गई हुई हैं उसमें ठीक है। अगर मैं दूसरे स्विच में आपको दिखाऊं उधर क्या सिचुएशन है वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं और इसको थोड़ा सा करता हूं बड़ा, डू शो VLAN ब्रीफ पे आके, अच्छा ठीक है, शो VLAN ब्रीफ देखिएगा आईटी में आईटी 10 है और जो दूसरा स्विच है हमारा ये देखें ये भी आईटी में 10 पे आईटी है, 20 पे एचआर है, इधर भी 20 पे एचआर है, 30 पे सेल्स है, इधर भी 30 पे सेल्स है ठीक है। तो ये जो है हमारे पास अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से इस VLAN का पार्ट है ना, ये VLAN 10 है, ये भी VLAN 10 है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये VLAN 20 है, ये भी VLAN 20 है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, ग्रुप तो सेम है। ये VLAN 30 है, ये VLAN 30 है, ये भी, इसको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, ये अपने रेलेवेंट VLAN ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, करेगा कि नहीं करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वही करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स काइंडली अपने मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें ताकि लास्ट ये पार्ट है, फिर इसके बाद हम कंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा हम पिंग करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कमांड फॉर्म सेम VLAN वाले को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.1 एंटर। नहीं कर रहा है अपने रेलेवेंट ग्रुप को पिंग, इसको ट्राई करके देख लेते हैं 192.168.1.4 पेज पे लिखना था। ये भी नहीं कर रहा पिंग। सिमिलरली जो थर्ड होगा ना वो भी नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह यही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि ये तो हमने कर ली एक्सेस कॉन्फ़िगर एंड डिवाइसेस के साथ, ठीक है, और ये डिफरेंट VLANs है हमारे पास, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास मैंने कहा था कि मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ट्रंक लिंक का कॉन्फ़िगर होना बहुत ज़रूरी है, एल्स आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। और क्या कहा था मैंने, ट्रंक लिंक जो आपका कॉन्फ़िगर होगा वो दो नेटवर्क की डिवाइसेस के बिटवीन होगा, वो राउटर और स्विच हो सकता है या स्विच और स्विच हो सकता है। नहीं, हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये स्टूडेंट्स अपने जो है ना आसानी के लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो डिस्कशन कर सकें, ऑफिशियल नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, अब ट्रंक लिंक हमने क्रिएट करना है, कहाँ क्रिएट करना है? इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अगर मैं सिर्फ साइड पे करके देखूं तो FA01 है एक पोर्ट कनेक्टेड और ये है FA010 इस स्विच की, ठीक है। तो अगर तो इसकी एक पोर्ट की कोई भी एक पोर्ट डायनामिक ऑटो पे सेट हुई तो वो दूसरी पोर्ट ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगी और ट्रंक बना देगी। अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को और मैं कहता हूं यहाँ पे शो इंटरफेस FA0/10, इस स्विच की /10 वाली पोर्ट है ना जो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच पोर्ट एंटर। तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनामिक ऑटो पे सेट है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दूसरे स्विच पे ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दूं तो ये वाले स्विच ऑटोमेटिकली इस पोर्ट पे ट्रंक बन जाएगा, ठीक है, डायनामिक ऑटो पे सेट है। ये अभी स्टैटिक एक्सेस पे है मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, दूसरे स्विच पे हम जाते हैं, वहाँ पे ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। यहाँ से एग्ज़िट करें, एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पे लिखें जी उस इंटरफेस में एंटर हों, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और एंटर कर दें। क्या हुआ कि आपने जैसे ही ट्रंक किया तो एक दफ़ा डाउन हुआ, डाउन होके वो फौरन अप हो गया वो लिंक या पोर्टल। तो ये देखें ये ग्रे लाइन हो, वो ऑरेंज हो गई है, तो ये अभी अप हो जाएगा। ये देखें, अब ये देखें ये ऑरेंज है अभी भी, मतलब वो डायनेमिक ऑटो उसको फेच कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को, ये इस वजह से ऑरेंज है, ठीक है। ये खुद ही थोड़ी देर बाद हो जाएगी ऑरेंज, तब तक मैं कमांड दोबारा रन कर लेता हूँ। यहाँ पर भी देखें ये डाउन होके अप हुई है ऑटोमेटिकली, और उसने ये देखें क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट पोर्ट टाइप उसने लिखा है। एक मिनट रुकिएगा, कमांड जो है दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिएगा अब डायनेमिक ऑटो की ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, अब ट्रंक। उसने ऑटोमेटिकली उसका ऑपरेशनल मोड एक्सेस से चेंज करके ट्रंक कर लिया क्योंकि डायनेमिक ऑटो पे सेट था। यहाँ से समझ आ गई बात आप लोगों को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा काइंडली। अब हम चेक करेंगे वर्क करते हैं कि नहीं करते। थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशंस मल्टीपल हम कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है तो इसमें बग आ जाते होते हैं और कभी कभार आपकी राइट कॉन्फ़िगरेशन सही कॉन्फ़िगरेशन भी वर्क नहीं करती और ये अक्सर हो जाता है ऐसे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, वर्क करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स कमेंट में बताइएगा मुझे, आप लोग मुझे बिल्कुल मतलब फील हो रहा है कि जैसे रोज़े से बहुत बुरी तरह थक गए हैं, हालांकि बोल मैं रहा हूँ इतनी देर से। चलिए हम ट्राई करते हैं आप इस दफ़ा पिंग करने की। तो अगर हम इसको पिंग करते हैं दोबारा से इसके रेलेवेंट से, अब देखिएगा क्या होता है। हमें रिप्लाई आ गया। इसका क्या मतलब है कि वो ट्रंक लिंक मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन अब पास कर रही है। इधर से एक्सेस था, सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन सिर्फ पास कर सकती थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वीलैंस अवेलेबल थी। ठीक है, तो हमने इसको ट्रंक बनाया तो अब इन्फॉर्मेशन पास होने लगी। अगर सिमुलेशन मोड में हम देखें और इस पीसी को इसके रेलेवेंट ग्रुप के साथ में पिंग करूं जो कि एचआर का है, और एचआर के आईपी एड्रेस जो मैंने दिए हैं वो .4, .5, .6 है। तो मैं .5 को करके देख लेता हूँ, एंटर, वो पैकेट रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं, गो हेड देते हैं। अच्छा, इस पैकेट पे क्लिक करें। अब ये देखें, ये सारी कनेक्टिविटी हमारे स्विच पे होती है ना, मैंने कहा था स्विच लेयर 2 की डिवाइस है। तो ये देखें लेयर 2 पे सारी वर्किंग हो रही है, और इसको क्लिक करेंगे तो बाकी भी डिटेल आ जाएंगी। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ना डीपली, तो रेकमेंड करूँगा कि इन मैसेजेस को लाजमी आप देखें। इनबाउंड पीडीयू, अब ये आपका फ्रेम है, देखें आर्प में क्या है, उसका हार्डवेयर टाइप है, प्रोटोकॉल नंबर है, कुछ सोर्स मैक जहाँ से वो आ रहा है, ये जिस डिवाइस से ये मैसेज आ रहा है उसका एड्रेस क्या है, जहाँ इसने जाना है, सोर्स आईपी जहाँ से वो आ रहा है, टारगेट मैक एड्रेस अभी उसको नहीं पता क्योंकि उस स्विच से अभी इन्फॉर्मेशन लेगा कि उसका मैक एड्रेस कहाँ पे है जहाँ पे मैंने जाना है, लेकिन उसको आईपी ज़रूर पता है क्योंकि मैंने पिंग किया आईपी। आउटबाउंड, आउटबाउंड ये होता है कि जब वो पैकेट यहाँ से बाहर निकलेगा। एक इनबाउंड पैकेट होता है, जैसे ही पैकेट इसमें एंटर हुआ तो तब क्या इन्फॉर्मेशन थी, आउटबाउंड जब वो पैकेट वहाँ से बाहर आ गया। तो आप देखें उस पर भी मैक्सिमम हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसके पास आ गया, क्लिक कर लें यहाँ पे, देखें सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, उसने उसको उसके रेलेवेंट ईमेल वीलैन में भेज दिया। ठीक है, अब जो प्रॉपर होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी जो है वो पैकेट ड्रॉप कर देंगे और डिक्लाइन कर देंगे। आरपी मैसेज वापस लेकर गया है कि हाँ भाई मुझे बंदा मिल गया जिसको आप रीच आउट करना चाहते हैं, वो डिवाइस मिल गया जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अब पिंग कर सकते हैं आप उसको। तो अब ये देखिए पिंग का पैकेट रेडी हो गया, ICMP, अब पिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी और सिर्फ स्पेसिफिक उसी को गई है इस दफ़ा, क्योंकि उसको उसका मैक एड्रेस के थ्रू पता लग गया है कि ये डिवाइस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो बाकियों को उसने रेलेवेंट डाटा भेजा ही नहीं। ये 4 पैकेट्स लोड होंगे, ठीक है, क्योंकि पिंग 4 दफ़ा होती है। ठीक है, अब ये देखिए स्पैनिंग ट्री चल रहा है। तो ये था आज का VLAN का टॉपिक हमारा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा, और आप कोई भी आपका क्वेश्चन है किसी भी रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं पूरे लेक्चर में जो आपको समझा है। लेक्चर आपका आज का यही था। ये मैं फाइल भी पैकेट ट्रेसर की ना आपको भेज दूंगा, एक मैं विद कॉन्फ़िगरेशंस भेज दूंगा और एक मैं विदाउट कॉन्फ़िगरेशन भेज दूंगा कि जिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर भी लें खुद। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई आपने अगर देखनी है ना कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है स्विच में, तो उसकी एक कमांड होती है, ताकि जैसे आप इसको ओपन करें ना कॉन्फ़िगरेशन को देख सकें। शो रन, शो रन रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर करेंगे तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की होंगी वो आ जाएंगी। देखें आपका जो इंटरफेस है 01, उसको मैंने VLAN 10 में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उसके नीचे VLAN 10 लिखा हुआ आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है इसके अंदर। अच्छा, उसका मोड मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसके सामने आ गई। इसी तरह 02 भी, सारों की कॉन्फ़िगरेशन सामने आ गई है। ठीक है, एंटर स्पेस दबाते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। तो अभी तक सर हमने VLAN कॉन्फ़िगर की तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई थी। अगर हमने कुछ और भी किया होता तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाती। और देखें होस्ट नेम भी हमने डाला था, चेंज किया था, वो भी कॉन्फ़िगरेशन की हिस्ट्री में आ रहा है कि आपने होस्ट नेम भी चेंज किया इस डिवाइस का। अच्छा ये बता रहा है कि आपने कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, कोई ये चीज़ें नहीं लगाई हुई। ठीक है, पुरानी कॉन्फ़िग से आप देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन उस स्विच या डिवाइस पर हुई भी हैं। अब मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ। मुझे लोड कर लेने दें स्क्रीन यहाँ पे। सर अगर राउटर टू स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो तब भी सेम वर्किंग होगी? जी बिल्कुल, तब भी ट्रंक कॉन्फ़िगर होगा तो सेम ही वर्किंग होगी। राउटर हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इंटर वीलैन राउटिंग में, जिसे हम राउटर ऑन अ स्टिक भी कहते हैं। बहुत मज़े की टर्म है जो इंटरव्यूज़ में पूछी भी जाती है कि राउटर ऑन अ स्टिक क्या चीज़ है भाई बताओ, तो वो इंटर वीलैन राउटिंग होती है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी ये चीज़ मेक श्योर करता है कि आपका जो नेटवर्क है ना उसमें लूप्स नहीं बने। एसटीपी ये काम करता है। जी मैं याद से कर दूंगा, नेटवर्क पर रिस्पांस भी आपको दे दूंगा और आपकी पोस्ट भी अलाउ कर दूंगा। जी मैं कमांड्स सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। सर आपको एक्टिविटी एक्सरसाइज दे दिया करें प्रैक्टिस के लिए, अच्छी लर्निंग हो जाएगी। आप सही कह रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कोई आपको एक्सरसाइज भी दे दूँ। आज मैं कोई टास्क दे दूँगा आपको कि आप वीलेंस क्रिएट करके दें मुझे। जी आपके पास आज काफ़ी टाइम है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। हम 45 पे जो है ना लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे और उसके बाद भी अगर किसी के क्वेश्चन हुए तो वो पूछ सकता है, बाकी बेशक लीव कर दीजिएगा 45 के बाद। सर हमने मैक एड्रेस से डिवाइस देखनी है तो अच्छा जी मैक एड्रेस डिवाइस पे देख सकते हैं। एक तो स्विच में जाके आप देख सकते हैं शो मैक एड्रेस टेबल, अगर आप लिखें तो वो आपके सामने आ जाएगा। फिर देखें उस कोड के अगेंस्ट वो आ जाता है मैक एड्रेस, आप यहाँ से देख सकते हैं या उस इंडिविजुअल उस डिवाइस पे जाके देख सकते हैं। शो कॉन्फिग यहाँ पे भी हल्का सा आ जाएगा। तो कमांड्स मर्ज हो जाती हैं आपस में। इसको मैं देख के बता देता हूँ, नहीं तो यहाँ से तो आप देख सकते हैं। मैं ये जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप जाते हैं ना, यहाँ पे ये मैक एड्रेस होता है। अच्छा और क्या क्वेश्चंस हैं? मैंने अगर ग्रुप ज्वाइन किया तो फिर उसके बाद मैं कोई काम नहीं कर सकूँगा, फिर क्यूरीज ही क्यूरीज आएंगी सिर्फ। आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टल पे जाएंगे ना नेटअकैड के, तो वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ आपका, ऐड हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे क्यूरी अपनी भेज सकते हैं। नॉट एन इशू, मैं मेक श्योर कर लूँगा कि मैं उसको रोज़ाना की बेसिस पे देख भी लूँ। स्विच के नहीं राउटर के भी होते हैं प्रिविलेज मोड और ग्लोबल प्रिविलेज मोड, जो इनेबल करते हैं। और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में हम जाते हैं ना स्क्रीन पे, अगर आपको मैं दिखाऊं, स्विच मैंने ओपन किया है और यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। अगर Ctrl+Shift+6 दबा दें तो ख़त्म हो जाता है। एग्जिट इनेबल ये प्रिविलेज मोड आई थिंक सो, एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल जब ये कॉन्फ़िग लिखा हो जाता है तो ये ग्लोबल प्रिविलेज मोड, इस तरह करके है आई थिंक सो। सर क्यों पोस्ट किया राउटर का, क्या क्वेश्चन है? IPv6 का इतना खास है नहीं कुछ, उसमें सबनेटिंग भी नहीं होती और उसमें स्लैश वाली स्लैश CIDR वैल्यू भी नहीं होती, तो वो जस्ट 128 बिट्स का एड्रेस होता है हमारे पास में। ये तो आप अल्लाह करे, ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं ना, 32 बिट्स होती हैं IPv4। IPv6 128 बिट्स पे ऑपरेट कर रहा होता है और उसमें मेरे ख्याल से 6 ऑक्टेट्स होते हैं, आई थिंक सो 6। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटर VLAN राउटिंग होगी और साथ हम स्पैनिंग ट्री आई थिंक सो देख लेंगे या पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह। नहीं आप जो हैं जो नेटवर्क के एग्जाम्स है जो वो जब हम मैनेजमेंट उसको ओपन करेगी ना बैकएंड से, जो उनके पास पोर्टल अवेलेबल है, तो वो तभी आप एक्सेस कर सकेंगी। लेकिन जो टाइम वो देंगे आपने उस टाइम रेंज में रहते हुए फिर उसको अटेम्प्ट लाजमी करना होगा। जो टाइम रेंज होगा उसके अंदर आप कभी भी स्टार्ट करके उसको मतलब दे सकते हैं। और एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो सबमिट का बटन ना दबा दीजिएगा पहला MCQs सॉल्व करते हुए। बाज़ औक़ात उसको नेक्स्ट का बटन समझ के सबमिट कर देते होते हैं, ऐसा नहीं है। वीडियोस इनफ हैं, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आपको अगर मतलब लर्निंग का शौक़ है तो आप बिल्कुल उसको स्टडी कर सकते हैं जो मटेरियल नेटवर्क पे अवेलेबल है। एक स्विच पे 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। जी स्विचेस पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्किंग कर रहे होते हैं एट अ सिंगल टाइम। अगर मैं आपको दिखाऊं इस टाइम तो ऑटोमेटिकली हमारे अलावा यहाँ पे सिमुलेशन में जाएं तो ये स्पैनिंग ट्री चल रहा है, यहाँ पे DTP भी आएगा आई थिंक सो, डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल आना चाहिए। नहीं आता है लेकिन शायद VLAN हमने कॉन्फ़िगर की तो इस वजह से आई थिंक सो। तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल्स। ट्रंक वाली कमांड जैसे ही थी, आपने जाके स्विच पे क्या करना है, आपने स्विच पे जाके जिस इंटरफेस पे आपका स्विच, दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है दिन पोर्ट पे, तो ये सेकंड स्विच है तो ये मुझे पता है कि ये 01 पे कनेक्टेड है, उस इंटरफेस में एंटर हो जाएं आप। इंटरफेस पाथ ईथरनेट 0/1, यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करके एंटर कर देंगे तो वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाएगी। जी डिफरेंट कमांड्स होती हैं हुआवे एंड सिस्को में। पहले हुआवे के अंदर तकरीबन बिल्कुल सेम होती थी सिस्को जैसी कमांड्स, लेकिन फिर सिस्को ने जब इन पर केस कर दिया था तो उन्होंने फिर चेंजिंग्स कर दी थी। ये बुंटू में हो जाएगा। ये यहाँ पे ग्रुप में जो है ना वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। नहीं मल्टीपल स्विचेस रख सकते हैं आप, डिपेंड करता है कि आप के पास सामने सिनारियो क्या है। देखो यार टनल अडेप्टर लैन का कोई क्वेश्चन आ रहा है, मुझे इसका इतना खास आइडिया तो नहीं है, लेकिन टनल VPNs में क्रिएट होती हैं जो मुझे पता है। जो virtual private network होता है बेसिकली उसके अंदर टनल क्रिएट होती है जिसके अंदर आपकी 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है। तो आई थिंक सो उससे मिलता जुलता ही कुछ होगा, कोई इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होती होगी किसी तरह की, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। जी कवर मैंने बताया है डिफरेंट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक स्विच पे आप। जिस तरह स्पैनिंग ट्री एक प्रोटोकॉल है वो भी चल रहा है स्विच पे, और उसके बाद डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल है वो भी चल रहा है स्विच पे, और उसके अलावा आपने अगर पोर्ट सिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ें आपने कर दी हैं तो वो भी चल रही हैं। स्विच जो है वो स्विचिंग करता है फ़ौरन, आपके पैकेट्स को जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ पे फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देता है विद इन नो टाइम, जबकि राउटर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है और पैकेट्स को देखते हुए, उनके अंदर देखते हुए कि उसने कहाँ जाना है उस बेसिस पे राउट को डिसाइड करता है, रूट बनाता है प्रॉपर। स्विच जो है राउटर जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करता है कौन सा रूट जो है ना सबसे शॉर्टेस्ट पड़ेगा या कौन सा रूट सबसे बेस्ट होगा। जी जो सेशन को अगर जो जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो जा सकते हैं, लेकिन जिनकी क्यूरीज हैं वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जो लोग जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम स्विच पे होते हैं। जिस तरह ये आईएसएल अब देखें ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट पे जाके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ VLAN और क्वेश्चन मार्क, तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ISL VLAN IDs। ठीक है, सिस्को प्रॉपर्टी जो प्रोटोकॉल है ISL उसकी VLAN IDs कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 1005 तक। ठीक है, अच्छा ये चीज़ और है, एक चीज़ और है जो हम आगे करेंगे किसी, अगर मैं लिखता हूँ इंटरफेस 0/12 लिखता हूँ .100, सॉरी मिस्टेक होगी, 12 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 1 मिनट, ये स्विच 1 है, हाँ 0/9 करना चाहिए। टर्मिनल इंटरफेस फॉर इंटरनेट 0/1.100। चलिए इसको चेक कर लेता हूँ, ये कमांड यहाँ से आती है तो यहाँ से इसके बाद वो आता होता है इनकैप्सुलेशन .1Q, 1 में एंटर हो जाते हैं। चल ठीक है, इसको बाद में देखेंगे जब इंटरवीनर राउटिंग करेंगे। नहीं यहाँ से नहीं दे सकेंगे, जब टेस्ट मैनेजमेंट ओपन करेगी तो अब आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। ग्रुप के साथ काइंडली आप चेक करते रहिएगा कॉन्टीन्यूसली। स्विच लेयर 2, जी बिल्कुल ऐसा ही है, स्विच जो है वो लेयर 2 पे ऑपरेट करता है और मैक एड्रेसेस की बेसिस पे जो है वो डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस को देख रहा होता है, जबकि राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट कर रहा होता है और आईपी एड्रेसेस की बेस पे वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। आपको खुद ही लिंक आ जाएगा नेटवर्क से अगर आपने फॉर्म फिल किया है। जी VTP भी हम करेंगे। VTP वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है बेसिकली, वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ सिंक कर लेते हैं स्विचेस, लेकिन वो काफ़ी ख़तरनाक भी प्रोटोकॉल है, ये भी याद रखिएगा। चलें ठीक है, अब सेशन एंड करते हैं हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। मैं चीज़ें मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, एंड जो सपोर्टिंग लिंक्स हैं जिन स्टूडेंट्स ने जो भेजे हैं वो भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और नेक्स्ट वीक जब आप आएँ तो बिल्कुल मतलब प्रिपेयर्ड होकर आएँ, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। रेहान आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लें, जो मैनेजमेंट है कोर्स की। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, इस मामले में मैं कुछ कर नहीं सकता। चलें ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।